अनुसार इस बार सबसे पहला चेंज ये हुआ है कि आपको 10 ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको खाली स्थान मिलेंगे, एक अंक के सवाल मिलेंगे। तो ये कुछ परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को अपन अध्ययन करेंगे। तो मॉडल प्रश्न पत्र है उसको 5 भागों में बांटा गया है, प्रश्न पत्र है उसको 5 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है सेक्शन फर्स्ट, जो सेक्शन फर्स्ट है जिसको खंड आ के नाम से जानते हैं, ये पहला खंड मिलेगा आपको। इसमें प्रश्न संख्या एक होगी, ये प्रश्न संख्या एक 10 नंबर की होगी। इसमें 10 ऑब्जेक्ट ही होंगे, फर्स्ट से लगाकर 10 तक लगातार 10 नंबर के 10 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। तो ये अपने प्रश्न संख्या फर्स्ट है जिसमें 10 अंक का होगा और इसमें 10 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। फिर उसके बाद में खंड आपके बी स्टार्ट होगा, खंड बी के अंदर आपके 12 से 15 नंबर तक के मतलब खंड बी होगा। उस खंड बी के अंदर खंड ए के अंदर अपने पहला क्वेश्चन हो गया, 1 से 10 अंक लगातार 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव। फिर खंड ए के अंदर क्या होगा आपके 2 से 11 नंबर तक क्वेश्चन भी होंगे, 2 से लगातार 11 नंबर तक क्वेश्चन तक भी होंगे। इन क्वेश्चनों की विशेषता होगी कि 2 से 8 तक तो होंगे एक एक अंक के, जो कि एक नंबर के होंगे। फिर 9, 10, 11, 12 खाली स्थान होगी, 9, 10, 11 और 12 ये क्या होंगे, ये 9, 10, 11 तक आपके खाली स्थान होंगे। यानी ये 3 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें रिक्त स्थान की पूर्ति होगी, ये भी प्रत्येक एक एक अंक का होगा। तो ये भी आपके 10 नंबर के 10 सवाल होंगे। तो आपको 20 नंबर के इस बार ऐसे सवाल मिलेंगे जो कि आपके आसानी से हो जाएंगे, यानी कि इनके अंदर आपको 4 ऑब्जेक्टिव मिले, 4 ऑब्जेक्टिव में से एक आपको राइट करना है। फिर 2 से 8 नंबर तक ऐसे होंगे क्वेश्चन जिनके एक एक लाइन में उत्तर होंगे। 9वां, 10वां और 11वां प्रश्न होगा, उसमें आपको रिक्त स्थान भरना होगा। फिर उसके बाद में आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लगाकर 15 तक ऐसे अंक ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी संख्या होगी 4 प्रश्न होंगे। और इन प्रश्नों की विशेषता ये होगी, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का होगा, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में खंड सेक्शन सी होगा, सेक्शन सी के अंदर आपके 16 से 19 तक प्रश्न होंगे, 16 से 19 तक प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों की संख्या भी 4 होगी, ये प्रश्न भी 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसमें आपको विकल्प मिलेंगे, इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के अंदर 16 है उसमें 2-2 विकल्प मिलेंगे, 16 है उसमें फर्स्ट और सेकंड, 17 है उसमें फर्स्ट और सेकंड, और 18 है उसमें फर्स्ट और सेकंड, 19 है उसमें फर्स्ट और सेकंड। यानी आपके प्रश्न है जैसे 16 प्रश्न है वो 2 मिलेंगे आपको, 17वां भी आपको 2 मिलेंगे, 18वां भी 2 मिलेंगे, 19वां भी 2 मिलेगा। फिर होगा सेक्शन आपके डी, सेक्शन डी के अंदर 20वां 21वां क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन है 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होंगे वो 2 अंक के होंगे, 4 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। इसमें भी आपको विकल्प मिलेंगे, इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, विकल्प, यानी आपको इनमें से कोई 1 प्रश्न करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सेक्शन आएगा आपके ई, सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर होगा 22 और 23, इसमें आपको 3-3 विकल्प मिलेंगे। 22 और 23 में आपको ये होगा 3-3 विकल्प मिलेंगे, यानी आप आसानी से 3 प्रश्न में से कोई 1 प्रश्न करना होगा। यानी इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बहुत अच्छा किया है कि बच्चों को पास होने के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प दिए हैं, ये भी 2 प्रश्न होंगे, लेकिन इनकी विशेषता है कि इसमें 3-3 विकल्प है। आपको पहला आता तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा सवाल पढ़ो वो कर लो, दूसरा नहीं आता था तीसरा पढ़ो वो कर लो। तो इस प्रकार 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 4 अंक का होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी से विकल्प स्टार्ट होंगे, इसमें भी 2 विकल्प, इसमें भी 2 विकल्प, इसमें भी 2 विकल्प और 21 तक 2-2 विकल्प होंगे। लेकिन 22वें और 23वें प्रश्न की विशेषता है कि उसमें 3-3 विकल्प होंगे आपके सामने, आप आसानी से इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये सेक्शन अलग अलग सेक्शन है, तो आपके सेक्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल इजी है, सेक्शन फर्स्ट है उसमें 20 अंक होंगे और 20 अंक बिल्कुल एक एक लाइन के हैं। फिर उसके बाद 12 से 15 ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपके 2-2 अंक के होंगे, 4 प्रश्न होंगे, इनमें आपको भी कोई विकल्प नहीं मिलेगा। फिर सेक्शन सी है उसमें 16 से 19 तक है, प्रत्येक प्रश्न है वो 4
चार प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, इसमें आपको विकल्प है, और ये प्रश्न है 2 प्रश्न, इसमें भी आपको विकल्प है, और ये 2 प्रश्न इसमें भी आपको विकल्प है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है उसको अपन एक बार अध्ययन कर लेंगे, क्या क्या प्रश्न है, उन प्रश्नों में से 3-4 प्रश्न आपके जरूर आएंगे, ठीक है। तो अपन सारे प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न है और उनका उत्तर क्या होगा, तो अपने को क्या है कि उससे थोड़ा बहुत क्या होगा, आसानी रहेगी कि आप जैसे प्रश्न करोगे तो उसमें 3-4 प्रश्न आपको बोर्ड के पेपर के अंदर जरूर मिलते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसलिए जारी करता है ताकि बच्चे उसको अध्ययन करें, और अध्ययन करें तो कम से कम उसमें से छोटे छोटे सवाल या बड़ा सवाल ये तो मिल जाए ताकि क्या हो, बच्चे पास हो जाए। अब अपन शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं कि पहला क्वेश्चन है उसको किस तरह से आपको अटेंड करना है। तो पर्सन संख्या फर्स्ट है, उस पर्सन संख्या फर्स्ट में आपके सामने क्या होगा, 4 ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, फर्स्ट में फर्स्ट आएगा। तो अब इसको करने का तरीका ये है कि आप क्या करो, एक टेबल बना लो इस तरह से, परीक्षा के अंदर क्या है, कॉपी के अंदर इस तरह से आप टेबल बना लो। पहला तरीका तो ये है कि आपने क्या किया, ये टेबल बना ली, और टेबल बनाकर आपने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन और 10, इस तरह से आपने 10 लिख दिए, ठीक है। पहला तरीका तो ये है जिससे टीचर को चेक करने में आसानी रहेगी। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहते हो यार क्या है कि मैं पर्सन के साथ में उत्तर भी लिखूंगा, क्या करूंगा, तो आप क्या है, पर्सन संख्या फर्स्ट है, उस फर्स्ट में ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिख दिया। फिर आपको जैसे अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस पादप में पत्तियों द्वारा काई परिवर्तन होता है। पर्सन लिखोगे आप, पर्सन लिखना चाहो तो पर्सन भी लिख सकते हो। पर्सन ऐसे है कि निम्न में से कौन से पादप में पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, यानी ऐसा कौन सा पादप है जिसमें कायिक परिवर्तन होता है, ऐसा क्वेश्चन आया। तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन आपने पढ़े हैं। पहला है एस्प्रेगस, दूसरा पत्थर चिट्टा, तीसरा रामबास और चौथा पुदीना। तो अपने सामने 4 ऑप्शन है, अपने को याद रखना है पत्तियों द्वारा कायिक जनन 2 पौधों में होता है, एक है बिगोनिया और एक है ब्रायोफिलम। बिगोनिया और ब्रायोफिलम 2 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। अब ब्रायोफिलम का एक दूसरा नाम है पत्थर चट्टा। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है पत्थर चट्टा, तो इसमें ऑप्शन है ब, तो अपन कहेंगे इस तरह से लिखेंगे पत्थर चट्टा, ठीक है, लिख दिया ये पत्थर चट्टा। ये आपको एक ही ऑप्शन लिखना है, आप इस ऑप्शन को लिख के ये इस तरह से कर सकते हो। फिर एक तरीका और है कि आप 4 ऑप्शन लिखो और यहाँ पे आगे उत्तर लिखो ब, ठीक है। अब आपका मूड हो जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो बोर्ड में, लेकिन आपको काटा काटी नहीं करनी है। अब आपने ये कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ भर दो, पहले प्रश्न का उत्तर है ब, यानी आपने लिख दिया निम्न से कौन से पादप है उसमें पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। तो उसमें पहला ऑप्शन दे रखा है एस्प्रेगस, दूसरा दे रखा पत्थर चट्टा, तीसरा दे रखा रामबास और चौथा दे रखा पुदीना, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न पत्र चाहिए तो ये मॉडल पेपर है, ये वेबसाइट पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और आप मेरे से भी ले सकते हो। तो निम्न में से किस पादप में पत्तियों में कायिक परिवर्तन होता है, तो अपने को याद रखना है पत्थर चिट्टा, ये इस तरह से पहला प्रश्न है, ये आ गया आपके पहली कई में से। अब इसके बाद प्रश्न दूसरा है, ये प्रश्न पत्र मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा, इसमें से आपको 3-4 प्रश्न जरूर मिलेंगे। सबसे पहले जिस हार्मोन की खोज हुई थी, प्रश्न दूसरा है सबसे पहले जिस हार्मोन की खोज हुई थी, तो पादप हार्मोन की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, पादप हार्मोन की बात कर रहा है जिस हार्मोन की खोज हुई थी। अब अपने को इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑक्सिन, जिप्रेलिन, इथाइलिन और साइटोकाइनिन। पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा पहला ऑप्शन है ऑक्सिन,
दूसरा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। तीसरा है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। और चौथा है इथाइलिन, चौथा है इथाइलिन। अब आप इसमें क्या करोगे, ये चार ऑप्शन दिखे हैं, ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीजन के ऊपर आइट लगा दो, ये तरीका गलत है। आपको उत्तर लिखना है इस तरह से, आपको सही उत्तर लिखना है, सही उत्तर, फिर उसके बाद ये करना है। आप उस पर्सन के ऊपर ही क्या करोगे उत्तर लगाओगे तो टीचर को चेक करने में क्या रहती है, आसानी नहीं रहती है। फिर आप इसको भर दो यहाँ पर ये इस तरह से। तो ये क्या है, ये टीचर क्या करेगा, जब कॉपी चेक करेगा तो उसको बहुत आसानी रहेगी, वो देख लेगा इसमें, नहीं तो कंफ्यूज होएगा, वो ढूंढेगा कौन सा उत्तर भरा बच्चे ने, आपने लिख दिया वाह, आपने आगे लिखना है सही उत्तर, सही उत्तर वाह, फिर यहाँ पे लिखना है सही उत्तर। आपने पहले पर्सन का उत्तर ये भर दिया, दूसरे पर्सन का उत्तर ये भर दिया, तो इस तरह से ये दो पर्सन हो गए। दोनों पर्सन आपको याद होने चाहिए परीक्षा तक। सवाल सीधा सा ये, जो मैं 10 सवाल ऑब्जेक्टिव बताऊंगा मॉडल पेपर में से, उसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव एक दो जरूर मिलेंगे आपको। ऐसी बात नहीं है कि मॉडल पेपर माध्यम से बोर्ड इसलिए जारी करता है ताकि बच्चे उस मॉडल पेपर को अध्ययन करें और उनमें से एक दो सवाल उसको रिपीट हो, ताकि बच्चे कम से कम पास तो हो जाए। तो इस चक्कर में ये मॉडल पर्सन पत्र जारी किया जाता है। हाँ, अब पर्सन संख्या 3 है, तो आपने पहले पर्सन का उत्तर लिख दिया, दूसरे पर्सन का उत्तर लिख दिया, अगर आपके सही है तो टीचर जब कॉपी चेक करेगा तो एक नंबर और इसका भी एक नंबर दे देगा, और अगर आपके गलत है तो टीचर को चेक करने बहुत आसानी रहेगी और वो इस तरह से गलत कर देगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से टेबल बना देनी है। फिर उसके बाद में तीसरा सवाल है, वहां भी डीएनए होता है, तीसरा पर्सन संख्या 3 का तीसरा दे रखा है, वहां भी डीएनए, वहां भी डीएनए। आप बताओगे एक्चुअल में वेक्टर डीएनए है, ये जीन अभियांत्रिकी में से सवाल आया रहता है। वाहक डीएनए के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे प्लाज्मिड है वो वाहक डीएनए है, जैसे जीवाणु भोजी है वो वाहक डीएनए है, जैसे कॉस्मिड है ये वाहक डीएनए है। ठीक है, इसी तरह से अपन कहते हैं कि ये प्लाज्मिड, जीवाणु भोजी, कॉस्मिड, इसी तरह से सटल वाहक है, क्या है, सटल वाहक है, ट्रांसपोजोन है, जिसको जंपिंग जीन कहते हैं, ट्रांसपोजोन है, ये सब क्या करते हैं, वाहक का काम करते हैं। तो ये अपने के वाहक के मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बताए हैं। अब इससे क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला ऑप्शन दिया है प्लाज्मिड, पहला ऑप्शन दिया इसने प्लाज्मिड। दूसरा ऑप्शन दिया है सीडीएनए, सीडीएनए। तीसरा ऑप्शन दिया है संश्लेषित डीएनए, संश्लेषित डीएनए। और चौथा ऑप्शन दिया इसने उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो अपने को पता है कि वाहक डीएनए कौन सा होता है, प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी, कॉस्मिड, सटल वाहक, ट्रांसपोजोन, फॉस्फोजमिड, ये सब वाहक डीएनए होते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन आपको मिल रहा है प्लाज्मिड, क्या मिल रहा है। तो अपन उत्तर भरेंगे, सही उत्तर लिखेंगे, सही उत्तर है वो है प्लाज्मिड, क्या है प्लाज्मिड। ये इस तरह से प्रश्न तीसरा ऐसा ही उत्तर हो गया प्लाज्मिड। तो वहां डीएनए वो क्या है, प्लाज्मिड, ऐसे ध्यान रखना है। तो इस तरह से प्रश्न तीसरा हो गया है। अब प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है औषधीय पादप है, औषधीय पादप है, कौन सा पादप है जो औषधीय पादप है। तो औषधीय पादप ये आर्थिक वनस्पति विज्ञान में से सवाल आया है। अब औषधीय पादप में एग्जाम्पल दे रखे हैं अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय। तो अपने को पता है तीनों ऑप्शन सही है, अश्वगंधा भी है, सर्पगंधा भी है, गिलोय भी है, तीनों क्या है औषधीय पादप है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर अपन भर देंगे उपरोक्त सभी, या सही उत्तर लिख देंगे उपरोक्त सभी। इस तरह से चार से चार अंक आपके आगे हैं, आपने चारों ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही किए हैं, क्योंकि आपको प्रश्न एकदम पढ़े हुए थे और उत्तर भी आपको याद थे। अब पहला प्रश्न था वो था निम्न में से किस पादप में पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, तो पत्थरचट्टा। फिर दूसरा था पहले हार्मोन की खोज हुई थी ऑक्सीजन की। फिर तीसरा था वाहक डीएनए प्लाज्मिड। चौथा है औषधीय पादप उपरोक्त सभी। अब पांचवा सवाल है वो अपन अध्ययन करेंगे। अब प्रश्न संख्या 5वां है कुपर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, कुपर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं।
कुकर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कुकर कोशिकाओं के बारे में, फिर आप इसका उत्तर ढूंढ लोगे कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। अब कुकर कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो यकृत में पाई जाती हैं, ये मर्द आरबीसी का भक्षण करती हैं। ये जैसे क्या है, यकृत है, इस यकृत के अंदर बहुत सारी यकृत पालिकाएं होती हैं। यकृत पालिकाओं में क्या होता है, हेपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं। हेपेटोसाइट कोशिकाओं के बीच में अनियमित आकार की कोशिकाएं होती है, कुकर कोशिकाएं। ये बहुत बड़े आकार की होती हैं, इसलिए इसको वर्त भक्षकाणु के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कुकर कोशिकाएं, इनका काम होता है मर्द आरबीसी का भक्षण करना। जो मरी हुई आरबीसी है उसका भक्षण करने का काम होता है कुकर कोशिकाओं का। ये आपको याद रखना है। पाई कहाँ जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं, ये सवाल बनता है। तो इसने पूछा है कुकर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। इसमें ऑप्शन पहला दिया है अग्नाशय, पहला ऑप्शन है अग्नाशय। अब अग्नाशय में अपने को पता है कुकर कोशिकाएं होती नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है छोटी आंत, छोटी आंत में भी कुकर कोशिकाएं होती नहीं है। छोटी आंत है उसमें भी कुकर कोशिकाएं होती नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन उसने दिया है बड़ी आंत, तीसरा ऑप्शन इसने दिया है बड़ी आंत, और चौथा ऑप्शन उसने दिया है यकृत। अब अपने को क्या है, उत्तर आ रहा है, तो अपन उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपन कहेंगे उत्तर सही उत्तर है, वो है यकृत। क्या है, सही उत्तर है लो, पढ़ देंगे अपन सही उत्तर का यकृत। क्या कर देंगे, यकृत। तो अपने अभी तक 5 में से 5 अंक प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि अपने सारे कंसेप्ट क्लियर है और अपन पूरे में से पूरे अंक लेके चल रहे हैं। कि अभी 1% अपने गलत नहीं हुआ है, जो अपने को आ नहीं जाए। बहुत खुशी की बात है कि अपन एकदम सही उत्तर कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल आया है ग्रेप एंड पुटिका कहाँ पाई जाती है। जो ग्रेप एंड पुटिका है वो कहाँ पाई जाती है, ग्रेप एंड पुटिका कहाँ पाई जाती है, ग्रेप एंड पुटिका कहाँ पाई जाती है। अब ग्रेप एंड पुटिका कहाँ पाई जाती है, तो ग्रेप एंड पुटिका होती है वो अंडाशय में होती है। अंडाशय में क्या होता है, प्राथमिक पुटिका, द्वितीय पुटिका, तृतीय पुटिका, ग्रेप एंड पुटिका, पेट पिंड, ये सब पाए जाते हैं अंडाशय में। जब अपन वात की अध्ययन करते हैं तो उसमें ग्रेप एंड पुटिका पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें उत्तर क्या क्या दे रखा है। पहला उत्तर दे रखा है मनुष्य के थायराइड में, मनुष्य के थायराइड में। अब थायराइड में ये होती नहीं है ग्रेप एंड पुटिका, इसके अंदर पुटिकाएं होती हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं, अलग तरह की पुटिकाएं हैं जिनके चार तरफ सी आकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो पुटिकाएं आइडोथायरोग्लोबुलिन भरा होता है उनके अंदर। अब इसके बाद में दूसरा ऑप्शन दे रखा है मनुष्य के प्रोस्टेट में, मनुष्य के प्रोस्टेट में ये ग्रंथि है, ये मनुष्य के जनन तंत्र में पाई जाती है। फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा है स्त्री के अंडाशय में, स्त्री के अंडाशय में। और चौथा ऑप्शन दे रखा है पुरुष के वर्षण में, पुरुष के वर्षण में। अब अपने को सही उत्तर है वो भरना है, सही उत्तर है वो सी है। क्या है, यानी सही उत्तर सा है। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से आपने ये क्या है ग्रेप एंड पुट्टी का ढूंढ ली कि ग्रेप एंड पुट्टी का कहाँ है, कि भाई अंडाशय में, कहाँ है अंडाशय में। इस तरह से अपने ये 6 सवाल पूरे राइट हो गए हैं। तो इन्होंने अलग अलग पार्ट में से सवाल उठाए हैं, यानी ध्यान रखा है कि हर इकाई में से उन्होंने एक एक सवाल उठाया है, ऐसा नहीं कि सब इकाई में से उन्होंने एक ही तरह का सवाल दे दिया हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अगला है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में पुरुष सूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब ये बच्चों सिंड्रोम आते ही, टर्नर सिंड्रोम आते ही आपका तुरंत दिमाग दौड़ता है कि 44x0, यानी एक एक्स गुण सूत्र की कमी होगी उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। यानी 2n-1 का मतलब 45 गुण सूत्र। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 44 गुण सूत्र, 45 गुण सूत्र, 46 गुण सूत्र और 47 गुण सूत्र। तो अपन जो 45 वाला ऑप्शन है, 45 वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, 45 वाला ऑप्शन है वो बॉ है, तो अपन सही उत्तर लिख देंगे बॉ। इस तरह से टर्नर सिंड्रोम है वो हो गया है टर्नर सिंड्रोम। अब मान लो यहाँ प्राइम फैक्टर होता तो अपने को पता है 44xxy होता, तो इसमें 47 गुण सूत्र हो जाते। लेकिन इसमें टर्नर पूछा है और गुण सूत्रों की संख्या पूछी है, तो अपन तुरंत उत्तर भर देंगे 45 गुण सूत्र होते हैं। ये महिला होती है लेकिन इसमें एक एक्स गुण सूत्र कम होता है। अब सवाल इन्होंने अगला पूछा है 7वें सवाल के बाद में,
आठवां सवाल पूछा है। आठवें सवाल में इन्होंने कहा है ये काला आजार रोग उत्पन्न होता है। काला आजार रोग अपने को पता ही है कि लेशमानिया से होता है। किससे होता है? जो लेशमानिया है उस लेशमानिया डिनोमनी है उससे ये काला आजार रोग होता है। ये रोग में से सवाल आया है संक्रामक रोग में से, तो उत्तर इसका होगा लेशमानिया ऑप्शन है वो है बा। फिर उसके बाद अगला सवाल है कौन सी एंटीबॉडी माता से भ्रूण में प्लेसेंटा के माध्यम से स्थानांतरित होती है, यानी ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो माता से भ्रूण में जाती है। माता से भ्रूण में जाती है ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है, तो अपने को पता IgG है वो माता से भ्रूण में जाती है यानी प्लेसेंटा से ऊपर जाती है और भ्रूण को सुरक्षा देती है। इसमें IgG ऑप्शन है वो पहला है। कौन सा है? पहला ऑप्शन है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे ऐसा सवाल नहीं आता और सवाल आता कि जो माता है माता से दूध निकलता है उस दूध के अंदर कौन सी होती है, तो IgA उत्तर होता। कौन सा होता? IgA होता। ये अपने को ध्यान रखना पड़ा। फिर उसके बाद में है अगला सवाल है इसका उत्तर हो गया है अंड जनन में एक प्राथमिक अंड कोशिका से, अंड जनन में एक प्राथमिक अंड कोशिका होती है, एक प्राथमिक अंड कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं, एक प्राथमिक अंड कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं, तो अपने को बताना है। इस तरह टेबल याद होनी चाहिए। ये प्राथमिक अंड कोशिका है इसका विभाजन हुआ, प्राथमिक अंड कोशिका का विभाजन हुआ, एक गुरुकाय बनी एक द्वितीयक अंड कोशिका बनी, फिर इससे एक गुरुकाय दो गुरुकाय बनी, इससे एक गुरुकाय और एक अंडाणु कोशिका बनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक से एक बनती है, कितनी बनती है, एक से एक बनती है, इससे एक अंडाणु बनता है और तीन गुरुकाय बनती हैं। तो सवाल इसने सीधा सपुटक किया है कि एक प्राथमिक अंड कोशिका है उससे कितने अंडाणु बनेंगे, तो उत्तर होगा एक। अगर ये मान लो चार प्राथमिक अंड कोशिका दे देता कितने अंडाणु बनते, चार। अगर ये 16 प्राथमिक अंड कोशिका दे देता कितने अंडाणु बनते, 16। अगर ये 25 प्राथमिक अंड कोशिका दे देता कितने अंडाणु बनते, 25। तो आपको एक से एक याद रखना है कि प्राथमिक अंड कोशिका एक है तो कितने अंडाणु बनेंगे, एक अंडाणु बनेंगे। इस तरह से इसमें उत्तर ढूंढेंगे अपन, एक उत्तर है वो अ है, क्या है। तो इस तरह से अपन ने 10 सवाल किए हैं जो मॉडल प्रश्न पत्र में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार किए हैं और अपने 10 के 10 राइट हुए हैं। 10 में से अपने एक सवाल भी इस साल मिल जाए तो अपने खुशी की लहर आ जाए कि अपने 10 पढ़े और अपने एक सवाल मिल गया। अब मॉडल प्रश्न पत्र इसीलिए दिया जाता था कि बच्चे उसको अध्ययन करें और उसमें 2-3 सवाल अपन वापस छाप दें और बच्चे क्या है उस प्रश्न को कर ले राइट। आप भी कई बार संजीव पासबुक लाते हो, गूगल से मॉडल प्रश्न पत्र लाते हो और उम्मीद लगाते हो ये भगवान इसमें 5 सवाल मिल जाए। किताब आपको उस समय बोझ लगती है कि किताब कौन पढ़े, अपन तो ये मॉडल प्रश्न पत्र है उनको पढ़ लेते हैं। कई मॉडल प्रश्न पत्र आते हैं बच्चे उनको पढ़ के जाते हैं लेकिन सवाल मिले नहीं मिले, वो उनकी किस्मत का खेल है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया बच्चों के लिए कि बच्चों इस प्रश्न पत्र को देखो और क्या पता आपके किस्मत में 1-2 सवाल इसमें से मिल जाए। वैसे मॉडल प्रश्न पत्र में से ज़रूर मिलते हैं और पुराने प्रश्न पत्र में से सवाल मिलते हैं। सवाल वही आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई लोग कहते हैं कि सवाल नए बनते हैं, नए नहीं बनते हैं। 80% सवाल पुराने सवाल ही आते हैं। सब टीचर की एक ही पसंद होती है सेम सवाल। अब बच्चे डरते हैं कि इम्पोर्टेंट सवाल नहीं होते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। सवाल वही आएंगे जो टीचर बताएगा आपको, ठीक है। अब प्रश्न संख्या है वो 2 से 8 तक है। प्रश्न संख्या 2 से 8 तक। प्रश्न संख्या 2 से 8 में क्या है, एक पंक्ति में उत्तर देना है या एक लाइन में उत्तर देना आपको। प्रश्न संख्या 2 से 8 में ऐसा नहीं है कि एक पंक्ति में उत्तर हो, टीचर बड़ा सवाल भी दे सकता है। अगर एक पंक्ति में नहीं आता तो 2 पंक्ति में लिख दो, आप वहाँ अड़के मत बैठ जाना कि मेरे को एक पंक्ति में उत्तर लिखना है। सवाल वो देगा एक पंक्ति में लेकिन उत्तर उसका 3-4 लाइन में भी आप लिख सकते हो। हर जगह क्या है आपकी नहीं चलेगी। कभी प्रश्न ऐसा भी बन जाता है जिसका उत्तर 2-3 पंक्ति में भी होता है, परिभाषा वो 2-3 लाइन में चली जाती है तो आपको पूरा परिभाषा वो लिखना है। अब सवाल दिया है पादपों में बिंदु स्त्रावण के 2 कारण। अब प्रश्न संख्या 2 आ गया है, बिंदु स्त्रावण के 2 कारण, बिंदु स्त्रावण के 2 कारण,
बिंदु स्त्रावण के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है वाष्प उत्सर्जन अधिक होना। जब वाष्प उत्सर्जन अधिक होगा, यानी जब ऐसी कंडीशन होगी जब दिन के समय वाष्प उत्सर्जन अधिक हो, दिन के समय क्या हो, वाष्प उत्सर्जन अधिक हो और रात अचानक ठंडी हो जाती है, रात क्या हो जाती है, अचानक ठंडी हो जाती है, जिससे वाष्प उत्सर्जन कम हो जाता है, जिससे वाष्प उत्सर्जन कम हो जाता है, तो ये बिंदु स्त्रावण का पहला कारण हो गया कि भाई दिन के समय वाष्प उत्सर्जन ज्यादा हो रहा था, गर्मी पड़ रही थी और रात अचानक ठंडी हो गई, वाष्प उत्सर्जन कम हो गया, रुक गया। दूसरा कारण है धनात्मक मूल दाब, धनात्मक मूल दाब, ये दो कारण है। तो इसी एक ही लाइन के अंदर ये दोनों कारण लिखे जाते हैं, लेकिन अपन इसको पॉइंट बनाकर लिख देंगे कि दिन के समय वाष्प उत्सर्जन ज्यादा हुआ, पौधे ने जल ज्यादा अवशोषित कर लिया है, रात अचानक ठंडी हो गई जिसके कारण वाष्प उत्सर्जन रुक गया है, तो वो जल इकट्ठा हो गया है, जो जल इकट्ठा हो गया वो कौन सा दाब उत्पन्न करेगा, धनात्मक मूल दाब। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है कि बिंदु स्त्रावण के दो कारण। अब मैंने कहा था एक पंक्ति में तीन चार पंक्तियां हो गई, क्या हो गई, तो इसमें पर्सन लिखा होगा उसमें पंक्ति ज्यादा भी हो सकती है। अब दूसरा सवाल है कि मूत्र में पित्त वर्णकों की अत्यधिक मात्रा पाया जाना, जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि किसी व्यक्ति का मूत्र है उसमें पित्त वर्णक ज्यादा है, किसी व्यक्ति के मूत्र का टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट किया, उसमें पित्त वर्णक ज्यादा है तो कौन सा रोग होगा उसको, कौन सा रोग होगा। अब अपने को पता है कि डॉक्टर क्या करता है, जब पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग होता है तो उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, उसके नाखून पीले हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपको मूत्र कैसा लग रहा है, मूत्र वो कहता है मेरे को पीला पीला लग रहा है, इसका मतलब उसमें पित्त वर्णक है, बिली रूबिन और बिली वर्डिन, ये बिली रूबिन और बिली वर्डिन दोनों क्या है, पित्त वर्णक होते हैं, बिली रूबिन और बिली वर्डिन, ये दोनों हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। अब जो पित्त वर्णक अधिक है तो कौन सा रोग हो गया, उत्तर हो गया पीलिया, क्या हो गया पीलिया, पीलिया रोग में मूत्र का होगा उसमें पित्त वर्णक होंगे, तो इसको ये हेपेटाइटिस ए रोग के नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, जॉन्टिस बीमारी भी कहते हैं इसको, तो मूत्र में पित्त वर्णक उपस्थित है इसका मतलब कौन सा रोग है, तो आप बताओगे पीलिया रोग है, कौन सा रोग है, पीलिया रोग है। अब उसके बाद में अगला सवाल इसने पूछा है, यदि मेंढक में टैडपोल है उसमें थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाएगी, तो मेंढक का जो टैडपोल होता है, प्रश्न संख्या चार है, टैडपोल, टैडपोल है ये मेंढक की लार्व अवस्था होती है, ये मेंढक की कैसी अवस्था होती है, लार्व अवस्था होती है, ये किसमें बदलती है, ये वयस्क अवस्था में बदलती है, लार्वा किसमें बदलेगी, वयस्क में, लार्वा का वयस्क में बदलना क्या कहलाता है, कायांतरण, और कायांतरण का नियंत्रण कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो कायांतरण का नियंत्रण करता है। इसने सवाल यहाँ से उठाया है थायरोक्सिन के कार्य में से, इसने क्या किया, टैडपोल था, टैडपोल जो लार्व अवस्था थी, जैसे अपन मक्खी मच्छर देखते हैं उसकी लार्व अवस्था होती है लट्टे, उन लट्टों को अपन देखते हैं मक्खी मच्छर में बदल जाते हैं, वैसे टैडपोल मेंढक की लार्व अवस्था है, टैडपोल में से थायराइड ग्रंथि निकाल देंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, टैडपोल टैडपोल ही रहेगा, जिंदगी भर टैडपोल टैडपोल ही रहेगा, वो कभी मेंढक में नहीं बदल पाएगा, यानी उसका कायांतरण नहीं होगा। तो आपको सवाल पूछा, यदि मेंढक के टैडपोल में से थायराइड ग्रंथि क्षतिग्रस्त कर दी जाए तो इसके जीवन चक्र की कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, तो आपका उत्तर होगा कायांतरण नहीं होगा, उसका कायांतरण यानी उसका मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, ये अपने को उत्तर देना है, ठीक है। आपने अगर ये लाइन नहीं लिखी, कायांतरण नहीं होगा, तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। तो टैडपोल लार्वा में लार्वा अवस्था वयस्क में बदलता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन है उसके कारण बदलता है। अब इसने क्या किया, उस टैडपोल की थायराइड ग्रंथि को जाकर क्षतिग्रस्त कर दिया, क्या कर दिया, गया टैडपोल के पास, का टैडपोल आज मुझे गुस्सा आया हुआ है, तेरी में थायराइड ग्रंथि है उसको क्षतिग्रस्त कर देता हूँ, कोई बात नहीं टैडपोल के कर दे भाई, तो कर देगा तो टैडपोल टैडपोल ही रहेगा, मेंढक में नहीं बदलेगा, और अपने से आके सवाल पूछ लेता है कि आज मैंने टैडपोल की थायराइड ग्रंथि नष्ट कर दी, क्या होगा, अपन भी होशियार है, अपन कहेंगे इसमें थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, ये टैडपोल टैडपोल ही रहेगा, क्या रहेगा, यानी कायांतरण नहीं होगा।
अब वो क्या करता है, कुछ ऐसा भी होशियार होते हैं, उस टैडपोल को उठाकर साफ पानी में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं? टैडपोल। लिया, गए टैडपोल के पास और कहा चल तू साफ पानी में चल। तो साफ पानी में आयोडीन नहीं होती है, स्वच्छ पानी में आयोडीन नहीं होती है। जब आयोडीन नहीं होगी तो थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो टैडपोल टैडपोल ही रहेगा। तो दोनों सवाल है वो घुमा के आ सकते हैं। जैसे मॉडल प्रश्न पत्र में दे दिया कि थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देंगे, ऐसे वो सवाल दे देगा कि टैडपोल है उसको स्वच्छ पानी में डाल देंगे। तो अपन भी होशियार है, अपन तुरंत दिमाग लगा लेंगे कि साफ पानी में आयरन होते नहीं है, तो आयोडीन आयोडीन नहीं मिलेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो अपन उत्तर लिख देंगे उसका कायांतरण नहीं होगा। थायरोक्सिन का ये काम है कायांतरण होना। अब उसके बाद में अगला सवाल है कि पार्कोमेथियम डिसेशन की खोज किसने की थी, पार्कोमेथियम डिसेशन की खोज किसने की थी? तो पार्कोमेथियम डिसेशन की खोज की थी लावासीन ने। लावासीन नामक एक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक ने क्रोटोलीरिया के अंदर, क्रोटोलीरिया और जो अपन कहते हैं लीलियम पादप है, उनके अंदर क्या किया था, द्यु निषेचन की खोज की थी। तो अगला प्रश्न है द्यु निषेचन की खोज, जो द्यु निषेचन है, द्यु निषेचन है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? उत्तर होगा इसको थोड़ा पंकज और पा। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, अपन क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके थे। पार्को में द्यु निषेचन की खोज लावासीन ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6। डिक्सन और जॉली के सिद्धांत का नाम लिखो। और डिक्सन और जॉली ने जो सिद्धांत दिया था वो पादप के जल अवशोषण से संबंधित था। डिक्सन व जॉली का सिद्धांत, डिक्सन और जॉली दो अलग वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिया था वो एक्चुअल में क्या है, जल अवशोषण से संबंधित था। इसका नाम है वाष्प उत्सर्जन आकर्षण सा संजन बल सिद्धांत। इनके सिद्धांत का बड़ा नाम है काफी, वाष्प उत्सर्जन आकर्षण सा संजन बल सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको याद रखना, पूरा नाम है वाष्प उत्सर्जन आकर्षण सा संजन बल सिद्धांत। जो जल के अणु होते हैं वो एक रेखा में बहते हैं, एक धारा में बहते हैं, उसका कारण उसके बीच में सा संजन बल है। और वाष्प उत्सर्जन के कारण एक आकर्षण उत्पन्न होता है और जल ऊपर चढ़ता रहता है। तो ये डिक्सन और जॉली का सिद्धांत था, वो पादप द्वारा जल अवशोषण से संबंधित था। यानी पत्तियां वाष्प उत्सर्जन करती है, वाष्प उत्सर्जन करती है तो जल ऊपर चढ़ता है, जल पतली रेखा है, पतली धारा होती है, उसके रूप में बहता है, उसका कारण सासंजन बल है। अपन कभी भी लोटे में पानी पीते हैं तो पीछे एक बूंद भी नहीं बचती, पूरा लोटा खाली हो जाता है। तो उसका कारण है, जल के अणु होते हैं वो धारा के रूप में गति करते हैं, उसका कारण होता है सासंजन बल सिद्धांत। तो सीधा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, डिक्सन और जॉली ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या था? तो वाष्प उत्सर्जन आकर्षण सासंजन बल सिद्धांत। अब ये खनिज लवण अवशोषण से आप क्या समझते हैं? तो खनिज लवण अवशोषण का मतलब होता है पादप द्वारा खनिजों का अवशोषण करने की क्रिया को खनिज लवण अवशोषण कहते हैं। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज हुई थी? और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज हुई थी? तो आपको बताना है, ये वैज्ञानिक था जिसका नाम था बुकनर। बुकनर नामक वैज्ञानिक ने हिस्ट कोशिका से, बुकनर नामक वैज्ञानिक ने हिस्ट कोशिका से जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। तो उत्तर है, बुकनर नामक वैज्ञानिक था, उसने हिस्ट कोशिका से जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। तो पहला खोजा गया एंजाइम था उसका नाम था जाइमेज, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल ऐसा आता है कि ये सवाल नहीं आया और ऐसा आ गया कि किस वैज्ञानिक था उसने एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया? तो सुमनर ने क्रिस्टलीकरण किया था, और तो उसने यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया था। ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि ये हिस्ट से खोजा गया जाइमेज एंजाइम, वो क्या काम आता है? तो अल्कोहलिक हिडवन में काम आता है। किसमें काम आता है? अल्कोहलिक हिडवन में काम आता है। ये दो तीन सवाल इसमें बनते हैं, लेकिन अपने टॉपिक पे हटना नहीं, अपने टॉपिक पे ध्यान देना है। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज हुई? तो आपका उत्तर होगा जाइमेज। कौन सा होगा? जाइमेज। किस वैज्ञानिक ने की थी? बुकनर ने की थी। फिर उसके बाद में अगला सवाल भागे रिक्त स्थान, प्रश्न संख्या 9 है, वो है खाली स्थान की पूर्ति करो। माता के दूध में कोलेस्ट्रॉल द्वारा नवजात शिशु को कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? यानी कोलेस्ट्रॉल क्या है और कोलेस्ट्रॉल से जो माता का दूध होता है प्रथम बार निकलता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसमें कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? तो उसमें प्रतिरक्षी का नाम आपको बताना है IgA।
फिर उसके बाद अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई आपको बताना क्वांटोसोम है। जो प्रकाश संश्लेषण है उस प्रकाश संश्लेषण की डैश 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 इकाई है। तो आपको बताना है क्वांटोसोम क्या है। क्वांटोसोम है वो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। फिर अगला सवाल है वसा का शोषण गुणांक बताओ। वसा का शोषण गुणांक अपन कहेंगे 0.7 होता है। वसा का श्वसन गुणांक है वो लगभग 0.7 के आसपास होता है। ये अपने को ध्यान रखना है वसा का श्वसन गुणांक 0.7 होता है। कितना होगा 0.7 होता है। ठीक है श्वसन गुणांक अलग अलग चीजों में अलग अलग होते हैं। जैसे प्रोटीन का है 0.79, कार्बोहाइड्रेट का एक है, मैलिक अम्ल का 1.33 है। ये आपको सबके श्वसन गुणांक याद होने चाहिए। तो ये टॉपिक है श्वसन गुणांक, वो आप अच्छी तरह पढ़ लेना, उसमें से एक क्वेश्चन था। ठीक है तो ये अपने को क्या है छोटे छोटे सवाल मैंने करवा दिए हैं इस पेपर में से, और बड़े सवाल है उनको भी अपन चर्चा कर लेंगे धीरे धीरे। तो अपने मेन ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र को किस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है अपने 20 सवाल हो गए कि मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए वो खाली स्थान और ABCD हो गए। अब बड़े बड़े सवाल है वो सवालों में अपन चर्चा कर लेते हैं। पादप में जल प्रवेश का सिंप्लाश और अस्थानी पथ है उसमें आपको समानताएं बतानी है। फिर उसके बाद धमनी और शिरा में चार अंतर बताने हैं। धमनी और शिरा में क्या चार अंतर होते हैं। फिर शुक्राणु के समीपस्थ तारक केंद्र को निष्क्रिय कर देने पर निषेचन की कौन सी क्रिया प्रभावित होती है ये आपको बताना है। पुरुषों में किस असामान्य विकार के कारण 44XXXY48 हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रश्न है, जैसे ये इसका उत्तर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसका उत्तर है विदलन नहीं होगा, इसका उत्तर अपन धमनी और शिरा में चार अंतर देख लेंगे क्या होते हैं। फिर अगला सवाल है कोशिका आगे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। सेक्शन सी में क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं तीन तीन नंबर के। जैसे कोशिका भ्रूणकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपको क्या है पूरे सवाल है उन सवालों को करना पड़ेगा। ठीक है इतना टाइम नहीं है कि अपन इस एक 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 वीडियो के अंदर ये सब कुछ बता दें। तो अपने को ध्यान रखना है किस तरह से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, फिर एंजाइम क्रियादर संकुल, फिर क्लोनिंग वाहक, फिर जीन स्थानांतरण, वर्कणों की संरचना, वातस्फीति रोग, फिर उसके बाद में दे रखा है इन्होंने नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, पीयूष ग्रंथि का नामांकित चित्र, युग्मक जनन की तीन अवस्था, आतर चक्र। अब सेक्शन ई में इन्होंने तीन तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला लिंग संलग्न वंशागति, फिर मेंडल ने मटर के पौधे के किन अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया, मेंडल के विभिन्न नियमों को विस्तार से बताइए, फिर प्रतिरक्षा तंत्र की परिभाषा, असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग। तो इस तरह से ये पेपर दिया मॉडल पेपर। इस पेपर को अगर आपको आवश्यकता है तो आप मेरे से ले सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर इसमें दे रखे हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हाँ तो अपन क्या है आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको जो जंतु कार की है, मानव कार की है यूनिट है, ये 7 नंबर की कही है मानव कार की। मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। इसमें चार चैप्टर है अपने, चार चैप्टर है, चारों चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका अध्ययन करवाएंगे। सबसे पहला चैप्टर है मानव का पाचन तंत्र, दूसरा है मानव का श्वसन तंत्र, तीसरा है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र और चौथा है उत्सर्जन तंत्र। चार चैप्टर है बच्चों, और चार चैप्टर के मैं जो सवाल बताऊंगा एक भी सवाल उससे बोर्ड में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है आप भले परीक्षा दे के आना और चेक कर लेना कि सर ने ये 7 नंबर की इकाई बताई थी उसके इम्पोर्टेंट सवाल बताए थे, क्या एक भी सवाल बाहर गया कि नहीं। आप जब पेपर देखोगे तो सारे सवाल मैं जो आज बताऊंगा उसी में से मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब मैं सबसे पहले आपको छोटे छोटे सवाल कराऊंगा, उसके बाद आपको बड़े सवाल भी बताऊंगा, अपन सब टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल लिखाना शुरू करता हूँ। इसके बारे में क्या क्या सवाल इम्पोर्टेंट है उन सवालों को आपको एक बार परीक्षा देने जाओ उससे पहले देख लेना है कि सर आपने जो बताया वो सवाल हम देख रहे हैं, और बिल्कुल आप उस सवाल को चाहे आधे घंटे का एक घंटा लगे लगे ये वीडियो देख लेना, आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप सारे प्रश्न हैं उनको सही कर लोगे। चार प्रश्न, चार पार्ट है 7 नंबर के। तो सबसे पहला सवाल है कि रुधिर का थक्का जो
जो रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है, रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सी रक्त कणिका उत्तरदायी होती है, तो रुधिर का थक्का बनाने के लिए रक्त बिंबाणु उत्तरदायी होते हैं, रुधिर का थक्का बनाने के लिए रक्त बिंबाणु उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसी कौन सी रक्त कणिका है जो रुधिर का थक्का बनाने के लिए ब्लड क्लोटिंग के लिए, तो रुधिर बिंबाणु, इसका एक और नाम मिल सकता है, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया, सीधा पुटअप हो गया कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है, तो अपन बताएंगे रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट, ये अपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहते हैं, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता यानी परसेंटेज ऑफ द ब्लड कॉर्पस प्रतिशतता को क्या कहते हैं, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता, ये किताब के अंदर लिखा हुआ लाइन है कि रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता एक काले अक्षरों में लिखा हुआ है, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है हीमेटोक्रिट, उसको कहा जाता है हीमेटोक्रिट। ये आप सवाल है, इन सवालों को ध्यान से सुनना और उत्तर भी याद करना। सवाल सीधा पूछा, रुधिर का थक्का जमाने के लिए क्या चाहिए, रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु ऑप्शन मिले तो ठीक है, नहीं तो थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं रक्त बिंबाणु को। फिर अगला सवाल है कि रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहते हैं, हीमेटोक्रिट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन करना है, अगर आपको रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन करना है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन करना है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन करने के लिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन करना है, उसको क्या कहा जाता है, तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन है उसको कहा जाता है हीमोग्लोबिनोमेट्री, हीमोग्लोबिनोमेट्री। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल याद करने हैं, तो तीन ऑब्जेक्टिव सवाल हो गए, तीनों आपको याद करने हैं, रक्त का थक्का जमाने के लिए रक्त बिंबाणु, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट, और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन हीमोग्लोबिनोमेट्री। फिर है अगला सवाल है, पित्त वर्णक के नाम लिखो, छोटा सा क्वेश्चन आया कि पित्त वर्णक का नाम लिखो, पित्त वर्णक का नाम लिखो तो आपको बताना है, पित्त वर्णक का नाम होता है बिलिरुबिन, बिलिवर्डीन, बिलिरुबिन और बिलिवर्डीन, ये दो नाम है पित्त वर्णक के, बिलिरुबिन और बिलिवर्डीन, ये नाम बच्चों दोनों याद रखना है, पित्त वर्णक के बिलिरुबिन और बिलिवर्डीन है। फिर अगला क्वेश्चन है, कैप्रिन के वलन किसे कहते हैं, ये सवाल एक नंबर का आ सकता है, कैप्रिन के वलन किसे कहते हैं, कैप्रिन के वलन किसे कहते हैं, तो आपको समझाता हूँ मैं, कैप्रिन के वलन क्या होते हैं, जो छुदांत्र भाग है, जो छुदांत्र भाग होता है जिसको ईलियम कहते हैं, ईलियम के जो अधश्लेष्मिक और संश्लेष्मिक स्तर होते हैं, ईलियम के श्लेष्मिक और अधश्लेष्मिक स्तर अत्यधिक वलित होते हैं, ईलियम के श्लेष्मिक और अधश्लेष्मिक स्तर, ईलियम के श्लेष्मिक स्तर और अधश्लेष्मिक स्तर अत्यधिक वलित होते हैं, इन वलन को कहा जाता है कैकरिन के वलन। तो ईलियम के श्लेष्मिक और अधश्लेष्मिक स्तर अत्यधिक वलित होते हैं, इन वलन को कहा जाता है कैकरिन के वलन। तो परिभाषा है, आपने जब ईलियम देखा, ईलियम के अधश्लेष्मिक और श्लेष्मिक स्तर अत्यधिक वलित होते हैं, इन वलन को कहते हैं कैकरिन के वलन। तो पांच क्वेश्चन हो गए अपने, पहला सवाल हो गया रुधिर का थक्का बनाने के लिए रक्त बिंबाणु, दूसरा सवाल हो गया रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट, तीसरा हो गया रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन हीमोग्लोबिनोमेट्री, चौथा सवाल हो गया पित्त वर्णक के नाम बिलिरुबिन बिलिवर्डीन, पांचवा सवाल हो गया कैप्रिन के वलन किसे कहते हैं, तो ईलियम के श्लेष्मिक स्तर और अधश्लेष्मिक स्तर अत्यधिक वलित होते हैं, इन वलन को कहा जाता है कैप्रिन के वलन, ये अपने ध्यान रखना है। इस तरह से ये पांच क्वेश्चन हो गए। हाँ, और नेक्स्ट है बुंदर ग्रंथियां, बुंदर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, इसका कार्य लिखो, बुंदर ग्रंथियां, तो बुंदर ग्रंथियां अपन कहेंगे ये पाई जाती है ग्रहणी में, ये ग्रहणी भाग है उसमें पाई जाती है, ठीक है। अब अपन कहते हैं ये आमाशय है, आमाशय से भोजन आता है ग्रहणी में, कहाँ आता है, ग्रहणी में आता है, तो आमाशय से ग्रहणी में भोजन आया, तो ग्रहणी में आते ही ये बुंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं,
इन मुन्नर ग्रंथियों की परिभाषा बताएंगे कि गृहिणी के अधाश्लेष्मिक स्तर में, गृहिणी के अधाश्लेष्मिक स्तर में परिभाषा है, गृहिणी के अधाश्लेष्मिक स्तर में कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं मुन्नर ग्रंथियां। परिभाषा ऐसे लिखनी है, ग्रहणी के अधाश्लेष्मिक स्तर में, जो ग्रहणी है, ये ग्रहणी का आपने अधाश्लेष्मिक स्तर देखा, इसमें इस तरह से कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, ग्रहणी के अधाश्लेष्मिक स्तर में कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं मुन्नर ग्रंथियां। ठीक है, इन मुन्नर ग्रंथियों से श्लेष्मा का स्त्रावण होगा, ये श्लेष्मा है, ये क्षारीय होगा, इसमें बाइकार्बोनेट आयन होंगे, इस श्लेष्मा में बाइकार्बोनेट आयन होंगे, ये क्षारीय होगा, ये भोजन के अम्लीय माध्यम को, जो भोजन आमाशय से आ रहा अम्लीय माध्यम है उसको क्षारीय माध्यम में बदलता है, ये भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलता है, दूसरा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, तीसरा ये ग्रहणी के भीतर फैलता है, ये ग्रहणी के भीतर फैलता है और ग्रहणी की दीवार की हैसियत से सुरक्षा करता है, ग्रहणी की दीवार की हैसियत से सुरक्षा करता है, ग्रहणी की दीवार है उसकी हैसियत से सुरक्षा करता है, ये इस मुन्नर रस का कार्य है। तो ये मेन क्वेश्चन बनता है, दो नंबर का क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है मुन्नर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको दिमाग दौड़ाना है कि मुन्नर ग्रंथियां ग्रहणी में पाई जाती हैं, अब वो टीचर और ज्यादा डीप में चला गया, पूछा मुन्नर ग्रंथि की परिभाषा लिखो, तो अपन ने कहा ग्रहणी के अधाश्लेष्मिक स्तर में कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको कहते हैं मुन्नर ग्रंथियां। अब मुन्नर ग्रंथियों से क्या निकलता है, श्लेष्मा, क्या निकलता है, श्लेष्मा, ये जैसे क्या है ग्रहणी है, ग्रहणी के भीतर ये यूं फैल जाएगा श्लेष्मा, ग्रहणी के भीतर यूं श्लेष्मा फैल जाएगा और जो HCl है उस HCl से ग्रहणी की दीवार की सुरक्षा करेगा, क्योंकि आमाशय में भोजन अम्लीय है, अम्लीय माध्यम है उसको क्षारीय माध्यम में बदलता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और ग्रहणी की दीवार की HCl से सुरक्षा करता है। तो ये मैन इसमें ध्यान रखना अपने को, प्रोटेक्शन ड्यूडोनम फ्रॉम द HCl, HCl से प्रोटेक्शन करेगा, ये मुन्नर ग्रंथियां हो गई। अब मुन्नर ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये क्वेश्चन और बन गया, तो अपन कहेंगे मुन्नर ग्रंथियों में जो श्लेष्मा निकलता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है कि मुन्नर ग्रंथियों से जो रस निकलता है, जो श्लेष्मा निकलता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, जैसे पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं, वैसे इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, इसका काम होता है भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बदलना, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना और ग्रहणी की दीवार की HCl से सुरक्षा करना। तो ये मुन्नर ग्रंथियों पे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं, ग्लाइकोजन का संश्लेषण और संग्रह कहाँ होता है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का संश्लेषण और संग्रह कहाँ होता है, ग्लाइकोजन का संश्लेषण व संग्रहण कहाँ होता है, सवाल सीधा पुटअप हुआ है। ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित भोजन है, ये चीज याद रखना बच्चों, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, जंतुओं में संचित भोजन है, इसका संश्लेषण और संग्रहण कहाँ होगा, इसका संश्लेषण होगा यकृत में और संग्रहण भी होगा यकृत में, इसके अलावा पेशियों में भी इसका क्या होता है, सिर्फ संग्रहण होता है, लेकिन यकृत के अंदर इसका संश्लेषण भी होता है और संग्रहण भी होता है, तो उत्तर होगा यकृत, क्या होगा, यकृत। अब ग्लूकोज है उससे ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, बहुलक है, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो बनता है ग्लाइकोजन, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो सवाल इसने पूछा है, जो सवाल है वो पूछा है कि ग्लाइकोजन का संश्लेषण और संग्रहण कहाँ होता है, तो आपका उत्तर होगा यकृत, क्या होगा, सिर्फ सवाल आ जाता कि ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है, तो अपन यकृत और पेशी दोनों बताते, जंतुओं में संचित भोजन का नाम बताओ तो ग्लाइकोजन है, अगर ऐसे सवाल आ जाता पादपों में संचित भोजन तो आपको स्टार्च बताना होता है, क्या बताना होता है, स्टार्च बताना होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये सवाल हुए छोटे छोटे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दाहिने फेफड़े में कितनी पालियां होती है? मनुष्य के दाहिना फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसमें पालियों की संख्या पूछी आपसे कि मनुष्य के फेफड़े में जो दाहिना फेफड़ा उसमें कितनी पालियां, उत्तर है तीन। कितनी है? तीन पालियां, ये ध्यान रखना ठीक है। बाएं फेफड़े में दो पालियां हैं और दाएं के अंदर तीन पालियां। फिर उसके बाद में अगला सवाल है, धूम्रपान से कौन कौन से रोग होते हैं? जो कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो एक तो उसको फेफड़े का कैंसर होगा, फिर उसको श्वसनी शोथ होगा, अस्थमा होगा और वातस्फीत होगा। धूम्रपान से आपसे पूछे रोग कौन कौन से होते हैं तो आपको बताना अस्थमा, श्वसनी शोथ और वातस्फीत। अब सवाल उन्होंने पूछा है कि सर्वात्रिक दाता कौन है, सर्वात्रिक दाता कौन है? तो सर्वात्रिक दाता आपको बताना है ओ है, ओ रक्त समूह वाला सर्वात्रिक दाता होता है। और सर्वात्रिक ग्राही कौन है? सर्वात्रिक ग्राही आपको बताना है ए बी है। ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन बढ़ गए कि सर्वात्रिक दाता कौन है और सर्वात्रिक ग्राही कौन है। अब सवाल पूछा है कौन सी श्वेत रुधिरकणिका सर्वाधिक होती है, कौन सी श्वेत रुधिरकणिका सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा होती है, कौन सी श्वेत रुधिरकणिका, कौन सी श्वेत रुधिरकणिका सर्वाधिक होती है? तो अपने को ध्यान रखना है जो सबसे अधिक मात्रा में श्वेत रुधिरकणिका है उसका नाम है न्यूट्रोफिल। ये 62% होती है, कितने परसेंट होती है? 62% ठीक है, बाकी सब कम होती है। तो सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो न्यूट्रोफिल होती है, यानी उदासीन रंजी। उदासीन रंजी अगर ऑप्शन मिले आपको तो वो ध्यान रखना है, उदासीन रंजी या न्यूट्रोफिल, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली श्वेत रुधिरकणिका है। फिर अगला सवाल है, लाल रुधिरकणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिरकणिका बनती कहाँ पर है? अस्थि मज्जा में बनती है। अगला सवाल है उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो हानिकारक और अपशिष्ट और आवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अपशिष्ट और आवांछनीय पदार्थ होते हैं इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसको कहा जाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट और आवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, अपशिष्ट और आवांछनीय पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन करना उत्सर्जन कहलाता है ठीक है। मैं ये जो सवाल बता रहा हूँ ये सारे एक एक नंबर के सवाल हैं। अब अगला सवाल है ग्लाइकोसूरिया क्या है, ग्लाइकोसूरिया क्या है? ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया का मतलब है कि जो अपने मूत्र है मूत्र में शक्कर उपस्थित होगी, मूत्र में शर्करा की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति, मूत्र में शर्करा की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है ठीक है। ये रोग है कि मूत्र में शर्करा की उपस्थिति क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया। फिर अगला सवाल है ये मोमेन संपुट है, क्या है ये मोमेन संपुट है? इस मोमेन संपुट में ये बाल स्तर है सल्की उपला का बना हुआ, बाल स्तर सल्की उपला का बना हुआ है, बाल स्तर किसका बना हुआ है? सल्की उपला का। इसके भीतर की ओर आंतरिक उपकला पाई जाती है, उसमें विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, आंतरिक उपकला में विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। मोमेन संपुट है, मोमेन संपुट की जो ये मोमेन संपुट होता है ये नेफ्रॉन का भाग है, मोमेन संपुट है। इस मोमेन संपुट की आंतरिक उपकला विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है, मोमेन संपुट की आंतरिक उपकला विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है, कोशिकाओं के नाम बताओ, पोडोसाइट कोशिका। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल आ सकता है कि मोमेन संपुट की आंतरिक उपकला कौन सी कोशिकाओं की बनी हुई है? पोडोसाइट कोशिकाओं की बनी होती है, ये अपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सवाल आता है एमिलेज एंजाइम का कार्य बताओ, एमिलेज एंजाइम का कार्य बताओ। तो अपने को ये क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। दाहिने फेफड़े में कितनी पालियां हैं? तीन। सर्वात्रिक दाता कौन है? वो। सर्वात्रिक ग्राही कौन है? ये भी। कौन सी श्वेत रुधिरकणिका है वो सर्वाधिक मात्रा में है? न्यूट्रोफिल। फिर इसके बाद में उत्सर्जन किसे कहते हैं? अपशिष्ट और आवांछनीय पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। फिर ग्लाइकोसूरिया क्या है? मूत्र में शर्करा की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया है। फिर सवाल आया कि मोमेन संपुट की आंतरिक उपकला किसकी बनी हुई है? पोडोसाइट कोशिका की बनी हुई है, ये अपने ध्यान रखना है। अब सवाल नेक्स्ट है एमिलेज एंजाइम का कार्य बताओ। तो मैं एमिलेज एंजाइम उसको थोड़ा टिप्पणी कर दूं कि एमिलेज एंजाइम होता है, इसको अल्फा एमिलेज भी कहते हैं, इसको अल्फा एमिलेज भी कहते हैं या इसको टायरिन भी कहते हैं। ये मनुष्य की लार में पाया जाता है, ये मनुष्य की जो लार है उसके अंदर पाया जाता है। इसका काम होता है
स्टार्च का पाचन करना। ये स्टार्च है उसको माल्टोज में बदलता है और अल्फा सेमी डेक्सट्रिन बदलता है। स्टार्च को माल्टोज और अल्फा सेमी डेक्सट्रिन में बदलता है। स्टार्च को माल्टोज और अल्फा सेमी डेक्सट्रिन में ये बदलता है। ये ध्यान रखना आपने वो। तो आपसे पूछा एमिलेज एंजाइम का कार्य बताओ, स्टार्च को माल्टोज और अल्फा सेमी डेक्सट्रिन में बदलना। ये आपको अभिक्रिया याद होनी चाहिए कि हमारी लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारी लार में कौन सा एंजाइम है। तो हमारी लार के अंदर एंजाइम एमिलेज, अल्फा एमाइलेज और टायरिन, तीनों ये के नाम है। कई जगह एमिलेज लिखा हुआ मिलता है, कई जगह अल्फा एमाइलेज लिखा हुआ मिलता है, कई जगह टायरिन लिखा हुआ मिलता है। तो स्टार्च को ये माल्टोज और अल्फा सेमीडेक्सट्रिन में बदल देता है। ठीक है, अब अगला सवाल है HCl के कार्य बताओ। HCl के कार्य, ये दो नंबर का क्वेश्चन आता है, HCl के कार्य बताओ। तो HCl का सबसे पहला काम होता है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। जो हानिकारक जीवाणु है उसको नष्ट करने का कार्य है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। दूसरा HCl का काम होता है भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में बदलना। भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में बदलना, जो भोजन का क्षारीय माध्यम है उसको अम्लीय माध्यम में बदलना। तीसरा इसका काम होता है कि कठोर ऊतकों को गलाना, जो कठोर ऊतक होते हैं उनको गलाने का काम है। फिर उसके बाद इसका चौथा काम है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना। जो पेप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम है उसको ये किस में बदलता है, पेप्सिन में। और क्लोरेनिन को रेनिन में बदलना, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना और क्लोरेनिन को रेनिन में बदलना। इसके अलावा इसका काम होता है जटरा दीर्घम अवरोधनी का नियंत्रण करना, जो जटरा दीर्घम अवरोधनी है उसका नियंत्रण करना। जटरा दीर्घम अवरोधनी का नियंत्रण करना, जटरा दीर्घम अवरोधनी का नियंत्रण करना। ठीक है, ये इसके काम याद रखने हैं, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में बदलना, कठोर ऊतकों को गलाना, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना और क्लोरेनिन को रेनिन बदलना, जटिल निर्गम अवरोधनी का नियंत्रण करना। सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है HCl के कार्य बताओ। तो अपने को क्या करने, ये चार कार्य ऐसे कैसे छाप लेने दिमाग के अंदर कि हानिकारक जीवाणु नष्ट करता है HCl। भोजन के क्षारीय माध्यम यानी भोजन की जो पीएच होती है वो जैसे 8 है तो उस पीएच को 2 में बदलना। ये पीएच 8 को पीएच 2 में बदलता है, यानी क्षारीय माध्यम उसको अम्लीय माध्यम में बदलता है, पीएच बदलता है। कठोर ऊतक होते हैं जैसे भोजन के अंदर किसी प्रकार का कठोर ऊतक है, कठोर ऊतक को गलाता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन बदलता है, क्लोरेनिन को रेनिन बदलता है। जब तक भोजन पचता नहीं है तब तक भोजन को आगे जाने नहीं देता है, जटिल निर्गम अवरोधनी का नियंत्रण करता है। अब उसके बाद में है अगला सवाल है यकृत के कार्य। इसके कार्य, यकृत के कार्य, यकृत का सबसे पहला काम होता है हेपेरिन का निर्माण करना। पहला काम है हेपेरिन का निर्माण करना। हेपेरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रतिस्कंदक होता है, रक्त वाहिनी में रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, हमारा खून बहता रहता है लगातार, इसका कारण है हेपेरिन है। हेपेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है, ये बनाता है। दूसरा इसका काम होता है हानिकारक विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना, अमोनिया है उसको यूरिया में बदलना ऑर्निथिन चक्र द्वारा। तीसरा इसका काम है पित्तरस का निर्माण करना, पित्तरस का निर्माण करना, जो पित्तरस है उसका निर्माण किया जाता है यकृत द्वारा। फिर इसका काम है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है उसका निर्माण करना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है उसका निर्माण करना। तो पहला काम है हेपेरिन का निर्माण करना, दूसरा अत्यधिक विषैले अमोनिया को यूरिया बदलना कौन से चक्र द्वारा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। तीसरा काम है पित्तरस का निर्माण करना, चौथा काम है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करना। ये दोनों ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक होते हैं, यानी दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक होते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये विटामिन ए बी और के का संचय करता है और विटामिन ए का निर्माण भी करता है, विटामिन ए का निर्माण भी करता है। फिर इसके बाद ये भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादक अंग है, ये भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादक अंग है, जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें ये रुधिर उत्पादक अंग होता है। लेकिन शिशु जन्म के बाद इसमें क्या होती है, उप्र कोशिकाएं पाई जाती हैं,
जो मर्द आरबीसी का भक्षण करती है। ये भ्रूणीय अवस्था में दूध उत्पादक अंग होता है, लेकिन शिशु जन्म के बाद इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? गोपर कोशिकाएं जो मर्द आरबीसी का भक्षण करती है। तो ये भ्रूणीय अवस्था में दूध उत्पादक अंग हो गया। इसके अलावा इसका काम होता है ग्लाइकोजन का संग्रह करना। ग्लाइकोजन है उसका संग्रह किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। ग्लाइकोजन है उसका संग्रह किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। लोहा है उसका संग्रह किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, संग्रह किया जाता है। तो यकृत के कुल चार कार्य है वो आपको याद होना चाहिए। हेपेरिन का कार्य भी याद होना चाहिए कि ये प्रतिस्कंदक है। अब जैसे मच्छर काटता है तो खून नहीं जमता, इसका कारण उसमें मॉस्किडीन है। कोई जॉब चिपक जाती है तो खून नहीं जमता, इसका कारण उसमें हीरोडीन है। तो इसी तरह हमारे रक्त वाहिनी में रक्त का धक्का क्यों नहीं जमता? हेपेरिन के कारण। हेपेरिन का बनता है यकृत में। दूसरा अत्यधिक विषैला अमोनिया, उसको यूरिया बदला जाता है। यूरिया कम विषैला, अमोनिया ज्यादा विषैला है। पित्तरस का निर्माण करना, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन का निर्माण करना, विटामिन ए बी के का संग्रह करना और विटामिन ए का निर्माण करना। फिर भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादक अंग है, लेकिन शिशु जन्म के बाद इसमें कुपर कोशिकाएं मर्द आरबीसी का भक्षण करती है। तो ये आरबीसी है, उस आरबीसी का भक्षण में विषैलता करता है। ये अपने को दो सवाल हो गए, बड़े बड़े दो दो नंबर के क्वेश्चन हो गए। ये आप लोग अच्छी तरह याद कर लेना। अब अगला सवाल है लैंगरहंस की दीपिका पर टिप्पणी करो। जो लैंगरहंस की दीपिका है उसके बारे में क्या जानते हो? तो लैंगरहंस की दीपिका अग्नाशय में पाई जाती है। जो अग्नाशय है उस अग्नाशय के अंदर लैंगरहंस की दीपिका होती है। अग्नाशय के अंदर क्या होगा? लैंगरहंस की दीपिका होती है। इस लैंगरहंस की दीपिका में तीन तरह की कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका, ठीक है। तो तीन तरह कोशिका है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। तीन तरह की आपको बताना है डेल्टा कोशिका, ठीक है। अल्फा, बीटा और डेल्टा तीन तरह कोशिका हो गई। अब अपन तो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका तीन तरह कोशिका है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, बीटा कोशिका से कौन सा निकलता है, डेल्टा कोशिका से कौन सा निकलता है। अल्फा कोशिका है उससे गुल का बॉन्ड निकलता है, बच्चों याद रखना। अल्फा कोशिका से गुल का बॉन्ड निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। सोमेटोस्टेटिन ये तीनों हार्मोन के कार्य भी आपको बताते हैं क्या होते हैं। अल्फा कोशिका से गुल का बॉन्ड निकलेगा, ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदलेगा। ग्लाइकोजन को किस में बदलेगा? ग्लूकोज के अंदर बदलेगा। अल्फा कोशिका से क्या निकला? ग्लूकागॉन निकला है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। और डेल्टा इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। जो ग्लूकोज है उसको ये किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में बदलेगा। और ये सोमेटोस्टेटिन होता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन की क्रियाविधि को रोकता है। जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन की जो क्रियाविधि है उसको रोकने का काम इसका है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन की क्रियाविधि को रोकना। और साथ ही ये क्या करता है? भोजन के स्वांगीकरण को बढ़ाता है। भोजन के स्वांगीकरण है उसको ये बढ़ाता है। भोजन अधिक समय तक कोशिकाओं के संपर्क में रहता है, भोजन के स्वांगीकरण को ये क्या करता है? बढ़ाता है। भोजन अधिक समय तक क्या होता है? संपर्क में रहता है कोशिकाओं के, इसको कहते हैं भोजन के स्वागीकरण को बढ़ाना। तो अब याद रखना, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। तो इसका तरीका है भारत इंडिया, ठीक है। बीटा कोशिका से इंसुलिन निकला, डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। ये क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन का विरोधी है, यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों की क्रियाओं को रोकेगा और भोजन के स्वागीकरण को बढ़ाएगा। ये अपने को लैंगरहंस की दीपिका है उसमें सवाल बनता है। अब सवाल आता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, आपको बताना डायबिटीज होता है। डायबिटीज भी दो तरह के होते हैं, इंसिपिडस मेलिटिस, तो इससे मेलिटिस होती है डायबिटीज, मेलिटिस रोग होता है इससे। इस इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटिस रोग होता है। अब अगला सवाल है रसांशु क्या है? रसांकुर क्या है और सूक्ष्मांकुर क्या है? रसांकुर और सूक्ष्मांकुर क्या है, इनके कार्य बताओ। तो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर है ये छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग, छोटी आंत्र के क्षुदांत्र भाग में पाए जाते हैं। ये छोटी आंत्र है उसके क्षुदांत्र भाग में पाए जाते हैं, छोटी आंत्र के क्षुदांत्र भाग के अंदर ये उपस्थित होते हैं। रसांकुर क्या है? टेटरिंग के वलन है,
कैटरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना होती है, कैटरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना होती है उसे कहा जाता है रसांगू। कैटरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना को, कैटरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना को कहा जाता है रसांगू। रसांगू की परिभाषा है कैटरिंग के वलन के ऊपर, कैटरिंग के वलन के ऊपर, कैटरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना होती है, कैटरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना होती है, कैटरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना होती है उसे कहते हैं सूक्ष्मांग रसांगू। अब रसांगू आपने देखा इस तरह ये अंगुली जैसी संरचना है, ये कैटरिंग के वलन के ऊपर है, इसके अंदर की ओर ये लसिका पेशिका, रक्त पेशिका और चिकनी पेशी होती है। इस रसांगू के अंदर की ओर एक रक्त केशिका, एक चिकनी पेशी और एक लसिका केशिका होती है। रक्त केशिका, लसिका केशिका और चिकनी पेशी होती है, तीन संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। रसांगू एक अंगुली जैसी संरचना है, इसके अंदर की ओर रक्त केशिका, लसिका केशिका और चिकनी पेशी पाई जाती हैं और एक रसांगू के चारों ओर 1000 सूक्ष्मांगुल होते हैं। एक रसांगू के ऊपर 1000 सूक्ष्मांगुल होते हैं। ये सूक्ष्मांगुल क्या बनाते हैं? ब्रुश बॉर्डर। ये सूक्ष्मांगुल क्या बनाते हैं? ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। ये भोजन को अधिक समय तक रोके रखते हैं और अवशोषण के तल को बढ़ाते हैं। एक सीधा रास्ता है और एक इस तरह उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो उबड़ खाबड़ रास्ते के अंदर भोजन फंसा रहता है जिसके कारण अवशोषण ज्यादा होता है। तो ये जो कैटरिंग के वलन है, रसांगू है, सूक्ष्मांगू है, ये तीनों क्या करते हैं? ये भोजन को लंबे समय तक रोके रखते हैं, भोजन फंसा हुआ रहता है, अवशोषण का तल बढ़ता है जिससे भोजन अधिक से अधिक अवशोषित होता है। तो सवाल आता है रसांगू सूक्ष्मांगू क्या है, तो आपको परिभाषा बतानी है। कैटरिंग के वजन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना को कहते हैं रसांगुर। रसांगुर के अंदर की ओर रक्त पेशिका, लसिका पेशिका और चिकनी पेशी होती हैं और रसांगुर के चारों ओर 1000 सूक्ष्मांगुर होते हैं जो कि ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। ये भोजन को अधिक समय तक रोके रखते हैं और अवशोषण के तल को बढ़ाते हैं। ये अपने को ध्यान रखा रसांगुर सूक्ष्मांगुर। अब सवाल सीधा पूछा, रसांगुर सूक्ष्मांगुर को तोड़ देंगे तो जो खाया वो तुरंत निकल जाएगा। क्या होगा? जो खाया वो तुरंत निकल जाएगा। एक सीधा रास्ता आराम से चले जाएंगे, एक ऊबड़ खाबड़ है तो अपन भी यूँ, आपने वो एक गेम खेला होगा जिसमें यूँ कूदते हुए चलते हैं, वो अभी गाड़ी ऊपर जाती है फिर लुढ़क जाती है, तो ये रसांगुर सूक्ष्मांगुर वैसा रास्ता बना देते हैं। क्या है उस गेम का नाम? मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सवाल आया हिपेरिन का निर्माण व कार्य क्या होता है। तो ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, हिपेरिन का निर्माण और कार्य क्या है। तो एक बार मैं वापस इसको रिवाइज कर लूं, हिपेरिन का निर्माण और कार्य। सवाल है हिपेरिन का निर्माण व कार्य। तो अपन कहते हैं हिपेरिन का निर्माण होता है यकृत में और इसका कार्य है ये प्रतिस्कंदक पदार्थ है। प्रतिस्कंदक पदार्थ ये मतलब है रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ये चीज याद रखनी है कि भाई जैसे अपन हीमोडायलिसिस करेंगे, रक्त अपवन करेंगे तो व्यक्ति का खून बाहर निकालेंगे तो उसमें हिपेरिन मिलाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। आप ब्लड डोनेट करते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपका ब्लड है वो जमे नहीं उसके लिए उसमें हिपेरिन मिला देता है, तो ये ध्यान रखना अपने को। अब अगला सवाल है डेक्सट्रिन में कितने ग्लूकोज के अणु होते हैं। जो डेक्सट्रिन है उसमें कितने ग्लूकोज के अणु होते हैं? तो उत्तर है 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं। सवाल पूछा डेक्सट्रिन में कितने ग्लूकोज के अणु होते हैं? 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं डेक्सट्रिन में। डेक्सट्रिन एक्चुअल में क्या है? ऑलिगोसैकेराइड है। फिर अगला सवाल है एंट्रोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं? एंट्रोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं और इनका कार्य बताओ। तो एंट्रोसाइट कोशिकाओं को क्या कहते हैं? आंत्रकोशिका के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा आंत्ररस निकलता है। इसके द्वारा कौन सा रस निकलता है? आंत्ररस। ये भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब लीवर कुन की प्राप्त हुई का उसमें 3 तरह की कोशिका होती है, पेनिस कोशिका, एंट्रोसाइट कोशिका और तीसरी आपको बताना है कि ग्लोबलेट कोशिका। तो 3 तरह की कोशिकाएं होती है, उसमें एक एंट्रोसाइट कोशिका क्या है? एंट्रोसाइट कोशिका को आंत्र कोशिका कहते हैं। ये पाई जाती है छोटी आंत्र में। किसमें पाई जाती है? छोटी आंत्र में पाई जाती है। इसके द्वारा आंत्ररस निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब अगला सवाल है
पाइलोरी कपाट के बंद और खुलने का नियंत्रण कौन करता है? ये क्या है, ये आपको बताना है। ड्रेस, ये ड्रेसिका है, ये आमाशय है और ये ग्रहणी है, ठीक है। ये आमाशय का ये बाल है, इसका नाम है पाइलोरी बाल। आमाशय के इस बाल को कहते हैं पाइलोरी बाल। आमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर, आमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर ये कपाट होता है। इस कपाट का नाम होता है पाइलोरी कपाट, पाइलोरी कपाट। इस पाइलोरी कपाट के बंद होने और खुलने का नियंत्रण कौन करता है? सवाल पूछा, ये पाइलोरी कपाट है, इसके खुलने और बंद होने का नियंत्रण करता है एससीएल। कौन करता है? एससीएल। जब भोजन बच जाएगा फिर ये कपाट खुलेगा और भोजन आगे चला जाएगा। ये ध्यान रखना है कि पाइलोरी कपाट के खुलने और बंद होने का नियंत्रण एससीएल करता है। अगला सवाल है, गैसों का विनिमय कहाँ होता है? गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो वायु कुपिका में। गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो आपका उत्तर होगा वायु कुपिका। वायु कुपिकाएं हैं, वहां पर गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय कहाँ होगा? वायु कुपिकाओं में होगा। अगला सवाल है, एस ए एन का पूरा नाम लिखो। एस ए एन का पूरा नाम लिखो। एस ए एन का पूरा नाम है सिरा आलिंद पर्व। एस ए एन का पूरा नाम होता है सिरा आलिंद पर्व, या इसका पूरा नाम होता है पेस मेकर, या इसका पूरा नाम होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड है, ये इसका पूरा नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड। इसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। ये पेस मेकर है। ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है दाएं आलिंद में। जो दाएं आलिंद है, उर्ध्वमांसिरा और निम्नमांसिरा जहाँ होती है, इसकी पेश या स्वयं ध्रुवित होती है, और इसमें क्या होगा, आवेग का संचरण, आवेग का संचरण होता है। तो इस तरह से अपन कहते हैं कि ये साइनो ऑरिकुलर नोड है। तो साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है? एक्चुअल में ये दाएं आलिंद के अंदर पाया जाता है, उर्ध्वमांसिरा और निम्नमांसिरा में। दाएं आलिंद उर्ध्वमांसिरा के मध्य पाया जाता है। इसकी पेशियां होती हैं, उसमें स्वध्रुवित होता है, और ये सबसे पहले हृदय धड़कन के उत्तरदायी होता है। ये सिरा आलिंद पर हो गया। हाँ, तो आप ये प्रश्न देखते जाएं और इनके उत्तर भी लिखते जाएं। आप लोग क्या है कि इन प्रश्नों को बार बार समझ में नहीं आए, बार बार देखें और उत्तर याद कर लें आप लोग। अब नेक्स्ट है, अगला सवाल है, रुधिर स्कंदन है, उसके लिए कौन सा आयन आवश्यक है? सवाल पूछा कि रुधिर स्कंदन के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है? मैं चार ऑप्शन दूंगा आपके। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, और चौथा ऑप्शन है जिसका नाम है लोहा। तो चारों आयन में से ऐसा कौन सा आयन है जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो आपको उत्तर बताना है कैल्शियम। अगर आप कैल्शियम बढ़ते हो तो आपका उत्तर होता है सही, यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है? कैल्शियम है। अब ये सवाल ऐसा नहीं आया और पूछा कि रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आयन उपस्थित है, कि चारों आयन में से कौन सा आयन है जो रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यक है, सबसे ज्यादा उपस्थित होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? तो अपने सोडियम याद रखना है कि रुधिर में ऐसा कौन सा आयन होता है जो प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम। सवाल थोड़ा घुमा दिया टीचर ने, और आपको पता है कि रुधिर में ऐसा कौन सा आयन है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए चाहिए, तो बच्चों को पता है कि भाई वो तो भर देंगे कैल्शियम, क्योंकि उन्होंने रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि याद कर ली। अब टीचर ऐसा सवाल नहीं पूछ के ये पूछ लेता है कि रुधिर के प्लाज्मा में कौन सा आयन सबसे अधिक मात्रा में होता है, तब उत्तर होगा सोडियम। थोड़ा ये सवाल घुमावा है, लेकिन आप क्या है, होशियार हो तो आप तुरंत क्या करते हो, सवाल को कैच कर लेते हो और आप उत्तर दे देते हो कि रुधिर में, सर ने पूछा है कि प्लाज्मा है, क्या है, रुधिर में जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में कौन सा आयन सर्वाधिक है, तो अपने को बताना है सोडियम। क्या बताना है? सोडियम। अब अगला सवाल है कि कौन सी डब्ल्यूबीसी में एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है? एंटी हिस्टामिनिक
एंटी हिस्टामिनिक गुण कौन सी डब्ल्यूबीसी में होता है, एंटी हिस्टामिनिक गुण कौन सी डब्ल्यूबीसी में होता है, तो आपका उत्तर होगा इओसिनोफिल। क्या होगा? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसमें एंटी हिस्टामिनिक गुण होता है, हिस्टामिन के कारण एलर्जी होता है, एलर्जी को रोकने वाली इओसिनोफिल है। एंटी हिस्टामिनिक गुण किसमें पाया जाता है? इओसिनोफिल आपका उत्तर होगा इओसिनोफिल। ठीक है, फिर अगला सवाल है एबियो रुधिर वर्ग। एबियो रुधिर वर्ग है, एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति, एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति, एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति यानी अनुवांशिक लक्षण है, इसका अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति या अनुवांशिक लक्षण है, ये इसका अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका उत्तर होगा बर्नस्टीन। किसने किया था? बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि माता पिता का रक्त ऐसा होगा तो बच्चे का रक्त ऐसा होगा, और रक्त की वंशागति रक्त के लिए जो जीन है वो IA IB IO होते हैं। ये रुधिर वर्ग की वंशागति का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था बर्नस्टीन। कौन था? बर्नस्टीन। अब सवाल अगला पूछा है परानिश्चंदन कहाँ होता है, परानिश्चंदन क्रिया कहाँ होती है, परानिश्चंदन क्रिया कहाँ होती है, तो आपका उत्तर होगा केशिका पुच। उत्तर क्या होगा? केशिका पुच में। परानिश्चंदन क्रिया कहाँ होती है? केशिका पुच के अंदर संपन्न होती है। परानिश्चंदन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो उत्तर होगा केशिका पुच में। कहाँ होगा? केशिका पुच के अंदर होगा। परानिश्चंदन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? केशिका पुच में। ये रक्त छनता है वो कहाँ छनता है? इस केशिका पुच में छनता है। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेके आती है, फिर अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जाता है, लेकिन अभिवाही का व्यास ज्यादा है, अपवाही का व्यास कम है, तो ये केशिका पुच में रक्त छन जाता है। इस छने हुए रक्त को अपन कहते हैं परानिश्यन। क्या कहते हैं? और परानिश्यन के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? परानिश्यंदन। तो परानिश्यंदन क्रिया कहाँ होती है? केशिका पुच। ऐसा ऑप्शन नहीं हो और ग्लोमेरुलस हो, ग्लोमेरुलस तो भी समझ जाना कि केशिका पुच को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, ये ध्यान रखना अपने। अब अगला सवाल है रक्त की पीएच कितनी होती है, रक्त की पीएच कितनी होती है? तो रक्त की पीएच में पहला ऑप्शन है जैसे 7.2 है, फिर दूसरा ऑप्शन है 7.1 है, फिर तीसरा ऑप्शन है 8.4 है, चौथा ऑप्शन है 7.4 है। तो अपने को क्या करना है? 7.4 बताना है। क्या करना है? 7.4 बताना है कि रक्त की पीएच होती तो 7.4। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन है हैंटी, दूसरा है इनेमल, तीसरा है ऑडेंटोब्लास्ट, चौथा है पल्प गुआ। तो आपका उत्तर होगा इनेमल। क्या होगा? इनेमल। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, बोल गया शरीर की सबसे कठोरतम हड्डी तो होगी डेंट्री। क्या होगी? डेंट्री हड्डी होगी। डेंट्री हड्डी है, डेंट्री हड्डी जो निचले जबड़े में होती है, ये शरीर की सबसे कठोरतम हड्डी होती है। ठीक है, अब सवाल अगला है कि लीवर खून की प्रागुहिका कहाँ पाई जाती है? तो लीवर खून की प्रागुहिका आंत्र में पाई जाती है। लीवर खून की प्रागुहिका कहाँ पाई जाती है? लीवर खून की प्रागुहिका आंत्र में पाई जाती है। उत्तर होगा छोटी आंत्र में। कहाँ होगा? आंत्र में पाई जाती है। लीवर खून की प्रागुहिका में तीन तरह की कोशिका होती है, कलश कोशिका, पैनेट कोशिका और आंत्र कोशिका। कलश कोशिका, पैनेट कोशिका और आंत्र कोशिका। कलश कोशिका से श्लेष्मा निकलता है, कलश कोशिका से क्या निकलेगा? श्लेष्मा। पैनेट कोशिका है उससे लाइसोजाइम एंजाइम निकलेगा, कलश कोशिका है उससे श्लेष्मा निकलेगा। सा से सा याद रखना कि कलश कोशिका से श्लेष्मा निकला
पहले कोशिका उससे लाइसोजाइम निकलेगा और आंत्र कोशिका से आंत्रस का स्त्रावण होता है, ये आपने ध्यान रखना। दोस्तों पूछा कि लिवर खून की प्रारूपिका क्या है, तो आंत्र में आंत्र के जो कैपरिंग वलन है, आंत्र के जो कैपरिंग वलन है उसमें जो गर्तिकाएं हैं, उन गर्तिकाओं के अंदर नलिकाकार ग्रंथियां होती हैं। इसकी परिभाषा है कि आंत्र में जो कैपरिंग वलन है, आंत्र के जो कैपरिंग वलन है, आंत्र के कैपरिंग वलन में, आंत्र के कैपरिंग वलन में गर्तिकाओं में, आंत्र के कैपरिंग वलन की गर्तिकाओं में, आंत्र के कैपरिंग वलन की गर्तिकाओं में नलिकाकार ग्रंथियां होती है। कैसी ग्रंथियां होती है? नलिकाकार ग्रंथियां होती हैं, उनको कहते हैं लिवर खून की प्रारूपिका। आंत्र की जो आंत्र के कैपरिंग वलन है उनकी गर्तिकाओं में जो नलिकाकार ग्रंथियां हैं उनको क्या कहते हैं? लिवर खून की प्रारूपिका कहते हैं। इसमें तीन तरह की कोशिका, कलश कोशिका, पेनेट कोशिका, आंत्र कोशिका। तो आंत्र के जो कैपरिंग वलन है उनकी गर्तिकाओं में नलिकाकार जो ग्रंथियां होती हैं, नलिकाकार ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं? लिवर खून की प्रारूपिका कहते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल आपको बताते हैं। नेक्स्ट, अब सवाल है रक्त किस प्रकार का ऊतक है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त आपको बताना है, जैसे सवाल आया रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो अपने उत्तर है रक्त तरल से युक्त ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? तरल से युक्त ऊतक होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के विष्ठनाल से होती है। रक्त एक तरह से ऊतक है और इसकी उत्पत्ति भ्रूण के विष्ठनाल से होती है, ये चीज याद रखना। सवाल आता है रक्त उपला ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, संयुज ऊतक है, तो आपने ध्यान रखना रक्त तरल संयुज ऊतक है। फिर अगला सवाल है अधिक ऊंचाई जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है या घटती है। तो आपको बताना है अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर रक्तानु की संख्या बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर रक्तानु की संख्या बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अगला सवाल है लसिका के दो कार्य लिखो, लसिका उसके दो कार्य लिखो। लसिका के क्या कार्य है? लसिका का सबसे पहला कार्य है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करना और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। दूसरा काम होता लसिका का, लसिका है ये वसा के अवशोषण में सहायक है, ये वसा के अवशोषण है उसमें सहायक है, जो वसा होते हैं उसके अवशोषण में सहायक है। फिर तीसरा काम है लसिका एक माध्यम का काम करता है रक्त और ऊतकों के बीच में, रक्त और ऊतकों के मध्य, ये रक्त और ऊतकों के मध्य ये माध्यम का काम करता है। लसिका रक्त और ऊतकों के मध्य एक माध्यम का कार्य करता है। तो आपसे पूछा लसिका के कार्य बताओ, लसिका का सबसे पहला काम है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। दूसरा लसिका का काम है वसा का अवशोषण करना, जो घी तेल है उसके अवशोषण में सहायता करना। तीसरा लसिका एक माध्यम का काम करता है रक्त और ऊतकों के बीच में, रक्त और ऊतकों के मध्य एक माध्यम का काम करता है, जो रक्त में भोज्य पदार्थ ऊतकों में पहुंचाते हैं और ऊतकों में जो उत्सर्जी पदार्थ रक्त में पहुंचाते हैं, तो ये माध्यम का काम करता है लसिका। लसिका कार्य पूछे जा सकते हैं बच्चों कि लसिका के क्या कार्य है। पहला काम है हानिकारक जीवाणु नष्ट करना, दूसरा अवस्था का अवशोषण करना, तीसरा माध्यम का काम करना रक्त और ऊतकों के मध्य में, रक्त में जो भोज्य पदार्थ है उसको ऊतकों में पहुंचाना, रक्त में जो ऑक्सीजन है उसको ऊतकों में पहुंचाना, ऊतकों में जो CO2 और उत्सर्जी पदार्थ है उसको रक्त में पहुंचाना। अब अगला सवाल है कि हृदय में गति निर्धारक कौन है, हृदय में गति निर्धारक ऐसे नोड है, ऐसे नोड को अपन हृदय में गति निर्धारक भी कहते हैं। गति निर्धारक, हृदय में गति निर्धारक कौन है, तो आपको बताना है ऐसे नोड है। फिर अगला सवाल है हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है, हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है। तो हेनले का लूप पाया जाता है वर्काणु में, हेनले का लूप पाया जाता है वर्काणु या नेफ्रॉन में। किसमें पाया जाता है? नेफ्रॉन में। मैं नेफ्रॉन का चित्र बनाऊंगा, उस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहले मेल्बी की कोष, मेल्बी की कोष के बाद ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर ये हेनले का लूप, फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका,
और फिर ये संग्रह नली का, फिर ये संग्रह नली का, ये क्या है, मेलपिटल कोश है। मेलपिटल कोश के दो भाग है, मेलपिटल कोश के दो भाग होते हैं। मेलपिटल कोश के दो भाग कौन से, एक वोमेन संपुट है, ये कौन सा है, वोमेन संपुट, और दूसरा है पेशी का कुछ। मेलपिटल कोश के दो भाग होते हैं, वोमेन संपुट और पेशी का कुछ। फिर ये समीपस्थ नली का, फिर ये हैनले का लूप, हैनले के लूप में दो भुजा है, जो नीचे आ रही है उसको अवरोही भुजा, जो ऊपर जा रही है उसको आरोही भुजा। फिर ये समीपस्थ नली का की तरह ये दूरस्थ नली का। और अब सवाल पूछा हैनले का लूप कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर होगा वर्काणु में। ये किसका चित्र है, नेफ्रॉन का चित्र है, किसका है, नेफ्रॉन यानी वर्काणु। ये वर्ग की संरचनात्मक क्रिया में कई होती है, एक वर्ग के अंदर ऐसे 10 से 12 लाख वर्काणु होते हैं, एक वर्ग के अंदर एक किडनी के अंदर ऐसे 10 से 12 लाख वर्काणु होते हैं, इसके अंदर मूत्र बनता है, इसके अंदर क्या बनता है, मूत्र बनता है। तो वर्काणु के अंदर हैनले का लूप पाया जाता है, जिसके अंदर हैनले का लूप ज्यादा लंबा होगा उसमें मूत्र भी गाढ़ा होगा। जैसे ऊंट के अंदर यह हैनले का लूप ज्यादा लंबा होता है तो उनमें मूत्र भी कैसा निकलता है, गाढ़ा, कैसा निकलता है, गाढ़ा, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अगला सवाल है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव उत्सर्जन के आधार पर कैसा प्राणी है। मानव में उत्सर्जित पदार्थ का नाम बताओ, मानव में उत्सर्जित पदार्थ का नाम बताओ। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है यूरिया, दूसरा ऑप्शन आता है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन आता है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन आता है एमिनोम्ल, एमिनो अम्ल। यानी मानव में उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताओ। तो अपने को कौन सा उत्तर होगा बच्चों, तो अपने उत्तर याद रखना है यूरिया, यानी यूरियोटैलिक होता है मनुष्य, कैसा होता है, यूरियोटैलिक होता है। मानव में मुख्य उत्सर्जी है, सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया अमोनिया यूरिक अम्ल। अब इसकी जगह मान लो अगर जैसे कीट आ जाता, उत्तर हो जाता यूरिक अम्ल, इसकी जगह पक्षी आ जाता, उत्तर हो जाता यूरिक अम्ल, इसकी जगह सरीसृप आ जाता यूरिक अम्ल, और इसी तरह से अपन से पूछ लिया जाता कि उपास्थित मछलियां आस्थित मछलियां, तो यूरिया, क्या हो जाता, यूरिया। तो अपने को ये तीनों एग्जाम्पल रटने हैं, यूरियोटैलिक कौन है, अमोनोटैलिक कौन है और यूरिकोटैलिक कौन है। तो ये कोई भी सवाल आ सकता है इसमें से, और ये चार ऑप्शन हो सकते हैं, तो अपने ये गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। फिर अगला सवाल है, बर्टिनी के वर्ग स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं, जो बर्टिनी के वर्ग स्तंभ होते हैं, बर्टिनी के वर्ग स्तंभ है वो कहाँ पाए जाते हैं, बर्टिनी के वर्ग स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है वृक्क में, दूसरा ऑप्शन होता है जो अधिवर्तक ग्रंथि उसमें, अधिवर्तक ग्रंथि में, तीसरा होता है यकृत में, और चौथा ऑप्शन होता है फेफड़ों में। कि बर्टिनी के वर्ग स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं, तो अपना उत्तर होगा वृक्क में, कहाँ होंगे, वृक्क में। जो ये वृक्क है, इस वृक्क के अंदर क्या होता है, ऐसे 3 से 5 उभार होते हैं, ऐसे 3 से 5 उभार होते हैं, जो ये कॉर्टेक्स भाग है, मेडुला में घसा होता है, ये कॉर्टेक्स भाग जगह जगह मेडुला में धसा होता है, इसको कहते हैं बर्टिनी के वर्ग स्तंभ, ठीक है। तो आपसे पूछा ये कॉर्टेक्स भाग मेडुला में धसा, इनको क्या कहते हैं, बर्टिनी के वर्ग स्तंभ कहा जाता है। अब अगला सवाल है वर्ग की संरचनात्मक क्रियाधिकरण का नाम, अगला सवाल है वृक्क की संरचनात्मक क्रियाधिकरण का नाम, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियाधिकरण का नाम बताओ, कि वृक्क की संरचनात्मक क्रियाधिकरण का नाम बताओ, तो उत्तर है नेफ्रॉन, क्या है, नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक क्रियाधिकरण का नाम क्या है, नेफ्रॉन है, जिसको अपन कहते हैं वर्काणु, क्या कहते हैं, वर्काणु, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का दंत सूत्र लिखो, मानव का दंत सूत्र लिखो, मानव का तंत्र सूत्र लिखो, आप लोग भी लिखो अपनी कॉपी के अंदर, मैं शेयर करता हूँ, आप लोग सही लिखते हो नहीं लिखते हो, और मुझे भेज देना कि मानव का दंत सूत्र हमने ये लिखा है सर, ये सही है गलत है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट आप तुरंत लिखो मानव का दंत सूत्र। तो अपने क्या है,
अपने ये ठीक है, इसके अंदर सही है, वेरी गुड। तो अपने मानव बदन सूत्र है उसका ठीक है, इंडिया कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मोदी। फिर अपने को याद रखना है 21-23 यानी 2023 तक, कहाँ तक है 2023 तक। तो ये हो गया अपने 21-23। फिर उसके बाद अपन लगा देंगे यहाँ बड़ा ब्रैकेट, फिर अपन लिख देंगे 8/8 बराबर 16 × 2 बराबर 32 दान, कितना 32 दान। ये आपने ऐसे तंत्र सूत्र लिखा तो आपको दो में से दो, एक में से एक अंक मिलेगा। कि मनुष्य का तंत्र सूत्र लिखो तो अपने को इस तरह से इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर चार तरह के दांत है, इंसिजर दांत है, फिर कैनाइन दांत है, फिर प्री मोलर दांत है, फिर मोलर दांत है। हम एक सवाल पूछूंगा कि ऊपरी आधे जबड़े में प्री मोलर दांत कितने होते हैं, ऊपरी आधे जबड़े में प्री मोलर दांत कितने होते हैं, आप मुझे बताना ऊपरी आधे जबड़े में प्री मोलर दांत कितने होते हैं। अब सवाल है मानव में कौन कौन से दांत पाए जाते हैं, उन दांत के नाम लिखो। तो मानव में चार तरह के दांत होते हैं, इनसाइजर दांत, कैनाइन दांत, प्री मोलर दांत और मोलर दांत। चार तरह के दांत होते हैं, इनसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। कितने तरह के होते हैं, चार तरह के, इनसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। अब सवाल आया है आहार नाल की भित्ति के स्तरों के नाम लिखो। तो आहार नाल की भित्ति के स्तर में एक चित्र बनाते हैं, सबसे बाहर होता है सिरोसा, सबसे बाहर स्तर है सिरोसा। आहार नाल की भित्ति के स्तर के नाम सवाल पूछा कि आहार नाल की भित्ति के स्तरों के नाम लिखो, आहार नाल की भित्ति के स्तरों के नाम लिखो, लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहला है सिरोसा, ये पतला होता है, बाहरी होता है और ये स्पेशल पेरिटोनियम उपकला का बना होता है। तो सबसे पहला स्तर है सिरोसा, दूसरा स्तर है पेशी स्तर, पेशी स्तर, बाह्य पेशी स्तर है इसका नाम, बाह्य पेशी स्तर, बाह्य पेशी स्तर। इसमें दो तरह की पेशियां होती है, एक होती है अंदर की पेशियां जो आहार नाल की लंबाई में होती है और दूसरी होती है वर्तुल पेशियां। ये वर्तुल पेशियां आहार नाल की गोलाई में होती हैं, पर एक पेशियां होती है अनुदैर्ध्य पेशियां जो आहार नाल की लंबाई में होती हैं और दूसरी होती है वर्तुल पेशियां, ये आहार नाल की गोलाई में स्थित होती हैं, ये आहार नाल के व्यास का नियंत्रण करती हैं और ये आहार नाल की लंबाई का नियंत्रण करती हैं। तो पहला स्तर हो गया सिरोसा, दूसरा हो गया बाह्य पेशी स्तर, तीसरा होता है अधश्लेष्मिक स्तर, सब म्यूकोसा, अधश्लेष्मिक स्तर, अधश्लेष्मिक स्तर सहजीव ऊतक का बना होता है। अधश्लेष्मिक स्तर किसका बना होता है, सहजीव ऊतक का बना होता है। इसमें रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंतु, इसमें कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, ये सब पाए जाते हैं। तो इस अधश्लेष्मिक में क्या क्या होता है, रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंतु, इलास्टिन तंतु, कोलेजन तंतु, ये सब इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में है चौथा स्तर है श्लेष्मिक स्तर, जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा स्तर। तो कितने स्तर हो गए, चार, कितने हो गए, चार, सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, अधश्लेष्मिक स्तर और चौथा हो गया श्लेष्मिक स्तर। श्लेष्मिक स्तर में बाह्य पेशी स्तर है सबसे पहला स्तर, बाह्य पेशी स्तर, फिर आधार पटल है और फिर उसके बाद में उपकला स्तर है। तो इसमें तीन उप स्तर होते हैं, सबसे पहला स्तर होता है जिसका नाम होता है श्लेष्मिक पेशी स्तर, ये पहला स्तर हो गया श्लेष्मिक पेशी स्तर, श्लेष्मिक पेशी स्तर, श्लेष्मिक पेशी स्तर हो गया पहला स्तर। दूसरा हो गया आधार पटल, दूसरे स्तर का नाम है आधार पटल और तीसरा है उपकला स्तर। तो इसके तीन स्तर हैं, ये आपको डायग्राम याद रखना है कि कौन कौन से स्तर है। तो पहला स्तर हो गया श्लेष्मिक पेशी स्तर, फिर उसके बाद भी आधार पटल, फिर ये उपकला स्तर, ठीक है। ये श्लेष्मिक स्तर में तीन उप स्तर हो गए। अगर श्लेष्मिक स्तर में क्या क्या है, इसमें सहज तंतु है, इसमें सहज तंतु के साथ में क्या है, रक्त वाहिनियां है, लसिका वाहिनियां है, ये सब है। अब ये एक सवाल आता है कि श्लेष्मिक स्तर है, इसमें लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं,
श्लेष्मिक स्तर में लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं। ये श्लेष्मिक स्तर इसमें लसिका ग्रंथियों के समूह है, इसको कहते हैं पेयर पैचेज, पेयर के समूह। श्लेष्मिक स्तर में जो लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं उन्हें कहा जाता है पेयर के समूह। श्लेष्मिक स्तर में जो लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं, श्लेष्मिक स्तर में जो लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं उन्हें कहा जाता है पेयर के समूह। ये सवाल पूछा जाता है पेयर के समूह क्या है, तो श्लेष्मिक स्तर में लसिका ग्रंथियों के समूह है, जो लसिका ग्रंथियों का समूह है उसको कहा जाता है पेयर के समूह या पेयर पैचेज। क्या कहा जाता है? पेयर पैचेज। ये ध्यान रखना अपने को। और इसमें पेयर पैचेज भी आ सकता है, पेयर के समूह आ सकता है। तो इसमें श्लेष्मिक स्तर है, इसमें लसिका ग्रंथियों के समूह को कहा जाता है पेयर के समूह। तो यहाँ नाल के चार स्तर है, शिरोसा स्तर, बाह्य पेशी स्तर, अदर श्लेष्मिक स्तर, श्लेष्मिक स्तर। चार स्तर के नाम बता दोगे, बाह्य पेशी स्तर, अदर, ये शिरोसा विस्तर पेरिटोनियम पत्ती झिल्ली का बना हुआ है। अब सवाल आता है कि यहाँ नाल की लंबाई को कम ज्यादा करना है तो कौन सा पेशी स्तर काम आता है, अनुदैर्ध्य। और यहाँ नाल के व्यास को कम करना है तो वर्तुल पेशी स्तर। आमाशय के अंदर एक अतिरिक्त स्तर और होता है जिसका नाम होता है तिर्यक पेशी स्तर। आमाशय के अंदर एक और अतिरिक्त स्तर होता है जिसका नाम होता है तिर्यक पेशी स्तर। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या होता है कि जो अनुदैर्ध्य पेशियां हैं उसके तीन मोटे मोटे तंतु, तीन मोटे मोटे बंडल पाए जाते हैं वर्तांत्र के अंदर, उसको कहा जाता है टीनी कोलाई। क्या कहा जाता है? तो सवाल पूछा जाता है टीनी कोलाई क्या है, टीनी कोलाई क्या है। तो वर्तांत्र भाग है, उस वर्तांत्र भाग में तीन मोटी मोटी अनुदैर्ध्य पेशियों के बंडल पाए जाते हैं। वर्तांत्र के अंदर अनुदैर्ध्य पेशियों के मोटे मोटे तीन स्तर पाए जाते हैं, तीन अनुदैर्ध्य पेशियों के मोटे मोटे स्तर पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है टीनी कोलाई। वर्तांत्र भाग में, किस भाग में? वर्तांत्र भाग में ये जो अनुदैर्ध्य पेशियां हैं इसके तीन मोटे मोटे स्तर होते हैं, इसको कहा जाता है टीनी कोलाई। तो अपने ये छोटे सवाल चल रहे हैं, इन छोटे सवालों को आपको अच्छी तरह याद करना, बार बार रिवाइज करना है। अब सवाल आता है कि मनुष्य के आहार नाल में ऐसा कौन सा अवशेषी अंग पाया जाता है, उसका नाम लिखो। मनुष्य के आहार नाल में पाए जाने वाले अवशेषी अंग का नाम लिखो। मनुष्य की आहार नाल में कौन सा अंग अवशेषी है, कौन सा अंग अवशेषी है। अवशेषी अंग का मतलब होता है वे अंग जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे लेकिन आज हमारे अंदर निष्क्रिय है, सिर्फ मौजूद है लेकिन आज निष्क्रिय है, उनको कहते हैं अवशेषी अंग। छोटी सी बात है, कर्ण पल्लव पेशियां वो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थी, आज हमारे अंदर अवशेषी है लेकिन कान को हिला की जरूरत नहीं है। निमेशक पटल आज प्रजेंट है लेकिन ये क्या करती है, गति नहीं करती है, आज अवशेषी है। जो मनुष्य नर में चुचुक है वो आज अवशेषी है। हमारे अंदर जो कुछ कशरुका है वो आज अवशेषी है, कशरुका है लेकिन काम की नहीं है। इसी तरह से अपन कहते हैं अकल दाढ़ है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अवशेषी हो जाएगी। अभी थोड़ी बहुत काम आ रही चबाने में, लोग धनाधन खाना खाएंगे तो धीरे धीरे ये पड़ी रहेगी। कौन यहाँ क्वार्टर में भोजन ले जाएगा और कौन चबाएगा, तुरंत गिर गए, क्या हो गए, तो ये भी धीरे धीरे अवशेषी हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारी आहार नाल में एक संरचना होती है जिसका नाम होता है ये सीकम है। सीकम से ये अंगुली जैसी संरचना निकलती है और सीकम और वर्तांत्र के संधि स्थल पर एक अंगुली जैसी संरचना होती है कर्मी रूपी परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका ये पाई जाती है। ये कर्मी रूपी परिशेषिका होती है जिसको कहा जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये अवशेषी है। ये अवशेषी ऐसे है कि हमारे पूर्वजों में ये क्या करते थे, ये जो चारा खाते थे, शेल्लोज खाते थे, उसको पचाते थे, इसके अंदर कर्मी रूपी परिशेषिका में। अब हमारे पूर्वज है बंदर, कौन है, बंदर है, वो क्या करते थे, इसका उपयोग करते थे। हमने धीरे धीरे इसका उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि हम चारा नहीं खाते हैं। तो कर्मी रूपी परिशेषिका के अंदर क्या होते हैं, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। अब सवाल पूछा कि मनुष्य के आहार नाल में कौन सा अंग अवशेषी है, तो आपका उत्तर होगा कर्मी रूपी परिशेषिका। अब सवाल आता है कि मनुष्य की आहार नाल में, आहार नाल के कौन से भाग में, मनुष्य की आहार नाल के कौन से भाग में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, मनुष्य के आहार नाल के कौन से भाग में, कौन से भाग में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, तो उत्तर है वर्तांत्र। क्या है? वर्तांत्र है।
इसमें सहजीवी जीवाणु पाया जाता है ई कोलाई सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य के आहार नाल के कौन से भाग में सहजीवी जीवाणु पाया जाता है? वर्धांत्र, बड़ी आंत्र का भाग है जिसका नाम है कोलन। क्या है? कोलन है। ये दो छोटे छोटे सवाल आहार नाल में से पूछे गए कि मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग जिसमें सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। सहजीवी जीवाणु का मतलब होता है जिसमें दोनों को फायदा हो। सहजीवी जीवाणु का मतलब जिसमें दोनों को फायदा होता है। अब मनुष्य को कैसे फायदा है? मनुष्य के अंदर विटामिन के बनाता है। क्या बनाता है? मनुष्य के अंदर विटामिन के बनाता है, तो ये फायदा करता है। और जीवाणु को कैसे फायदा है? जीवाणु को मुक्त का भोजन मिल जाता है, रहने को जगह मिल जाती है और अपने आराम से रहता है जीवाणु। अपन पूछते हैं कैसा है जीवाणु, जीवाणु कहता है ठीक है। जीवाणु कहता है भाई आप कैसे हो, हम कहते हैं ठीक है। तो हम पूछते हैं जीवाणु तुम जाने नहीं पहुंचाएगा कि नहीं? तो अपन दोनों सहजीवी हो गए। कैसे हो गए? सहजीवी, साथ साथ रहेंगे, दोनों ऐश करेंगे। क्या करेंगे? दोनों ऐश करेंगे। तो सवाल आया कि मानव के आहार नाल में कौन से भाग में सहजीवी जीवाणु पाया जाता है? वर्णांत्र में। किस पर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय के कितने भाग होते हैं? आमाशय के तीन भाग है। आमाशय के कितने भाग होते हैं? आमाशय के कितने भाग होते हैं? पहला भाग है जठराग्नि भाग, दूसरा भाग है फंडस और तीसरा है जठरनिभो। जठराग्नि भाग, दूसरा भाग है फंडस और तीसरा है जठरनिभो। जठरनिभो, तीन भाग है, जठराग्नि, फंडस और जठरनिभो। जठराग्नि, फंडस और जठरनिभो। ये जठराग्नि को कहते हैं क्वाल्पस और फंडस को फंडस ही कहते हैं और जठरनिभो इसको कहते हैं पाइलोरी, पाइलोरी। तीन भाग हो गए, क्वाल्पस, फंडस और पाइलोरी। क्वाल्पस, फंडस और पाइलोरी, जठरागम, फंडस और जठरनिभो। ठीक है, तो आमाशय के तीन भाग होते हैं। अब अगला सवाल आता है कि आमाशय के अंदर जो श्लेष्मा निकलता है, श्लेष्मा का कार्य बताओ। आमाशय में जो श्लेष्मा है उसका कार्य बताओ। तो आमाशय में श्लेष्मा का कार्य है, ये आमाशय की दीवार के भीतर की ओर फैल जाता है और आमाशय की दीवार की हैसियत से सुरक्षा करता है। ये आमाशय की दीवार के भीतर की ओर फैलता है और आमाशय की दीवार की हैसियत से सुरक्षा करता है। अगला सवाल आता है कि आमाशय में जाइमोजन का स्त्रावण, आमाशय में जाइमोजन का स्त्रावण, सॉरी ये पेप्सिनोजन का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है? पेप्सिनोजन का स्त्रावण जाइमोजन कोशिका करती है। पेप्सिनोजन एंजाइम का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है? जाइमोजन करती है। और एससीएल का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है? तो अम्लजन कोशिका या ऑक्सीजन कोशिका। अम्लजन कोशिका या ऑक्सीजन कोशिका होती है। जो ऑक्सीजन कोशिका है, जो अम्लजन कोशिका, वो एससीएल का स्त्रावण करती है और पेप्सिनोजन का स्त्रावण जाइमोजन कोशिका या मुख्य कोशिका। मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका किस एंजाइम का स्त्रावण करती है? पेप्सिनोजन का। और अम्लजन कोशिका किसका स्त्रावण करती है? एससीएल का। एससीएल का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है? अम्लजन। ये ध्यान रखना अपने को। अब सवाल है लाल ग्रंथियों के नाम लिखो। लाल ग्रंथियों के नाम लिखो। लाल ग्रंथियों के नाम में आपको बताना है, तीन लाल ग्रंथियां हैं। सबसे पहली है अधोजीवा, जो जीभ के नीचे है। अधोजीवा जो जीभ के नीचे है। दूसरी है अधोजंभ या अधोहनु, अधोजंभ या लिखा होता अधोहनु। फिर तीसरी है जिसका नाम है कर्णपुर या पैरोटिड, कर्णपुर या पैरोटिड। और तीन है, पहली होगी अधोजीवा, दूसरी होगी अधोहनु और तीसरी होगी कर्णपुर या पैरोटिड। ठीक है, तो तीन होती है अधोजीवा, अधोजंभ और कर्णपुर। ये तीन लाल ग्रंथियों के नाम है। इसमें पैरोटिड लाल ग्रंथि, उसमें कभी कभी सूजन आ जाती है तो अपन भोजन पानी निकल नहीं सकते। इसको कहते हैं गल्स रोग या मंस रोग, ये वायरस से रोग होता है। भ्रूण अवस्था में रुधिर उत्पादन अंग का नाम बताओ। भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादन अंग का नाम बताओ। भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादक अंग का नाम बताओ। भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादक अंग का नाम बताओ। तो अपने को ध्यान रखना, भ्रूणीय अवस्था में जो रुधिर उत्पादक अंग है उसका नाम यकृत है।
यकृत भ्रूणावस्था रुधिर अंग बढ़ा रुधिर उत्पादन करता है। अब अगला सवाल आपसे पूछा, बोलस और काइम की परिभाषा लिखो। बोलस यानी निवाला, बोलस और काइम इनकी परिभाषा बताओ। तो बोलस यानी निवाला है, निवाला क्या है और काइम क्या है। तो मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात, मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन अर्धठोस और क्रीमी हो जाता है। भोजन कैसा हो जाता है? अर्धठोस और क्रीमी हो जाता है। भोजन अर्धठोस और क्रीमी हो जाता है, इसको कहा जाता है काइम, सॉरी बोलस। बोलस क्या है? मुख गुहा में अपन दांतों से भोजन पचाते हैं, जीभ से भोजन को घुमाते हैं, लार मिलाते हैं। तो भोजन अर्धठोस और क्रीमी हो जाता है। इसको कहा जाता है बोलस। और आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन तरल रूप में बदल जाता है। उसको कहते हैं काइम। तो काइम क्या है कि आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन अर्धठोस और क्रीमी हो गया तो अपन ने उसको काइम कह दिया। और अगर मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात अर्धठोस क्रीमी हो गया तो उसको कहेंगे बोलस। या तरल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? तरल हो जाएगा, जेली जैसा हो जाएगा। या अर्धठोस और क्रीमी रहेगा, कैसा रहेगा? क्रीमी रहेगा। तो बच्चों ये आपको मैंने 50 सवाल करा दिए हैं, ये अपने 50 सवाल इसके और बच गए हैं। अपन नेक्स्ट वीडियो देखना आप लोग, उसमें नेक्स्ट 50 सवाल मानव कार्य की अपन देख लेंगे और इन सवालों को याद कर लेंगे।